अब हम आगे चलते हैं दोस्तों थर्ड यूनिट पे। तो थर्ड यूनिट हम करने से पहले मैं आपको कुछ कंडीशंस, इसके रूल्स, फॉर्मूलाज सब कुछ बता देता हूँ, ठीक है। तो देखो इसमें सबसे पहले देखो चैप्टर नंबर जो थ्री है आपका लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। तो देखो इसमें मैं बेसिकली बता देता हूँ आपको, जैसे सबसे सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज देखो, जैसे टू लाइन्स है, इन टू लाइन्स की इक्वेशन कैसे होती है, ए एक्स प्लस का बी वाई प्लस का सी इक्वल टू जीरो, है ना। इसको ए वन मान लो, इसको बी वन मान लो, इसको सी वन मान लो। ऐसे इस लाइन की इक्वेशन क्या होती है, ए टू एक्स प्लस का बी टू वाई प्लस का सी टू इक्वल टू जीरो। ये दो लाइनें बेसिकली मैंने मान ली, ठीक है। और ये दोनों लाइनें किस पर बनेगी, कार्टेशियन प्लेन। कार्टेशियन प्लेन और निर्देशांक ज्यामिति में आपने पढ़ा होगा, हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम, कार्टेशियन प्लेन। ये एक्स एक्सिस होती है, ये वाई एक्सिस होती है, ठीक है। इन दोनों कार्टेशियन प्लेन पर ये दोनों लाइन आपकी ड्रॉ होती है। ये लाइन ऐसे भी ड्रॉ हो सकती है, देखो मैं आपको बता देता हूँ आपको, ये लाइन ऐसे भी काट सकती है एक दूसरे को, या फिर दोनों लाइनें ऐसे भी पैरेलल हो सकती है, ठीक है, या फिर दोनों लाइनें एक के ऊपर एक ओवरलैप भी हो सकती है। तो वो कंडीशंस होती है वो मैं आपको बताऊंगा इस चैप्टर में, ठीक है। तो यहां पर कंडीशन आप लिख लेना, जैसे मैंने लिखा a1 अपॉन a2, b1 अपॉन b2, c1 अपॉन c2। यहां पे दोबारा अगेन ये लिखा a1 अपॉन a2, b1 अपॉन b2, c1 अपॉन c2। फिर अगेन यहां पे लिखा a1 अपॉन a2, b1 अपॉन b2, c1 अपॉन c2। ये मैंने लिख लिया। यहां पर अगर ये नॉट इक्वल्स टू यहीं पर हो जाए, आगे मेरे को देखना ही नहीं है, अगर ये नॉट इक्वल्स टू हो जाए यहीं पर, तो इसका मतलब क्या है, ये एक सॉल्यूशन देगा, वन सॉल्यूशन। और ये कैसी लाइन होगी, इंटरसेक्टिंग लाइन होगी। कैसी होगी, इंटरसेक्टिंग मतलब प्रतिच्छेद करेगी, इंटरसेक्टिंग लाइन मतलब एक लाइन ऐसे तो एक लाइन ऐसे काटेगी इसको, और एक सॉल्यूशन देगा यहां पर, ठीक है। और ये क्या होती है, कंसिस्टेंट होती है, क्या होती है, कंसिस्टेंट, संगत। क्या बोलते हैं हिंदी में इसको, संगत, ठीक है, कंसिस्टेंट, ठीक है, इसको संगत भी बोलते हैं। आप लिख लेना हिंदी में, मैं बोल रहा हूं ना, बोले से आप लिख लेना। अब देखो ये अगर इसके बराबर हो और ये भी इसके बराबर हो, तो इसका मतलब ये क्या होती है, ओवरलैप होती है एक के ऊपर एक, और यहां पर इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन होते हैं, इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन, ठीक है। और ये क्या होती है, डिपेंडेंट कंसिस्टेंट होती है, क्या होती है, डिपेंडेंट कंसिस्टेंट, ठीक है। और ये क्या होती है, एक के ऊपर एक ओवरलैप होती है ना, तो एक के ऊपर एक ओवरलैप होती है, इसका मतलब देखो थोड़ा बाइफरकेट कर देता हूँ इसको, अलग अलग, ठीक है, इस तरह से, ठीक है। और ये ठीक है, और ये क्या होता है, कॉन्सिडेंट, कॉन्सिडेंट लाइन्स, कॉन्सिडेंट लाइन्स, इसका मतलब क्या हुआ, ओवरलैप मतलब संपाति, हिंदी में क्या बोलते हैं इसको, संपाति, इसको बोलते हैं संगत, और इसको बोलते हैं अनंत हल होंगे इसके, ठीक है। अब ये लाइन एक के ऊपर एक आएगी, इसी के ऊपर, इसी के ऊपर आ जाएगी, इसका मतलब कॉन्सिडेंट लाइन्स होता है, ठीक है, संपाति रेखा है। अब ये वाली जो कंडीशन होगी इसमें बेसिकली क्या होता है, ये तो इक्वल होते हैं लेकिन ये नॉट इक्वल होता है, ठीक है, ये दोनों इक्वल होते हैं लेकिन ये नॉट इक्वल होता है, तो इसका मतलब यहां पर कोई हल नहीं है, नो सॉल्यूशन, नो सॉल्यूशन, पहला पॉइंट। और ये क्या होती है, अभी तक कंसिस्टेंट हो रहा था, अब ये क्या होती है, इनकंसिस्टेंट, ठीक है, मतलब हिंदी में क्या बोलते हैं, असंगत, क्या बोलते हैं, असंगत, ठीक है। और ये इनको बेसिकली हम ये भी बोलते हैं पैरेलल लाइन, पैरेलल लाइन, ठीक है, समांतर रेखाएं, क्या बोलते हैं, समांतर रेखाएं, मतलब एक लाइन ऐसे तो एक लाइन ऐसे, अभी दोनों आपस में मिलेगी नहीं, और जब आपस में नहीं मिलेगी इसका मतलब क्या है, नो सॉल्यूशन, कोई हल नहीं होगा। तो ये फर्स्ट कंडीशन, सेकंड कंडीशन, और ये थर्ड कंडीशन, ठीक है, ये आपको आनी चाहिए, ये इससे तो क्वेश्चन पक्का आएगा ही आपके एग्जाम में, लिख के ले लो, यहां से क्वेश्चन बनता ही बनता है दोस्तों, है ना। तो ये मैं मिटा देता हूं, पहले नंबर का ये आपका आना चाहिए, ठीक है, ये वाली चीज, तो ये मैं मिटा देता हूं, ठीक है, ठीक है। अब कुछ मेथड होते हैं यहाँ पे, सब्स्टिट्यूशन मेथड जैसे, वो हम क्वेश्चन से ही सीख लेंगे, ठीक है, ठीक है। एलिमिनेशन मेथड क्या होता है, प्रतिस्थापन विधि, ये हम क्वेश्चन से ही सीख लेंगे, इनको इनके फॉर्मूले ऐसा कुछ होते नहीं है, ठीक है। और इसमें बात करें, बाकी तो सारी चीजें हो गई इसमें, बस यही फॉर्मूले ना, ए वन अपॉन ए टू, बी वन अपॉन बी टू, यही बहुत काम का, ठीक है, बाकी तो हम अब करते हैं इसको, है ना। तो अब हम इसको सॉल्व करना शुरू करते हैं। देखो जैसे सबसे पहले जो क्वेश्चन है, देखो वर्ड प्रॉब्लम भी है इसमें, ठीक है, जैसे फर्स्ट क्वेश्चन है इसमें, फ्रॉम, देखो इस तरह के क्वेश्चन है, देखो 3.1 एक्सरसाइज है, और इसमें आपका फर्स्ट नंबर का फोर्थ नंबर का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, है ना। तो इसमें फर्स्ट नंबर का क्वेश्चन है, फर्स्ट का फर्स्ट, ठीक है, इसमें आपको इक्वेशन बनानी है बेसिकली, है ना। तो ये हम देखते हैं, देखो 10 स्टूडेंट है, कितने स्टूडेंट है, 10 स्टूडेंट, देखो 10 विद्यार्थी है क्लास 10th में, और वो मैथमेटिकल मैथमेटिक्स क्विज में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, ठीक है, ऐसे समझो, पार्ट इन मैथमेटिक्स क्विज। कितने स्टूडेंट है टोटल, मतलब 10 स्टूडेंट है। इफ नंबर ऑफ गर्ल्स इज 4 मोर देन द नंबर ऑफ बॉयज, ठीक है, मतलब देखो आप यहां पर क्लास में बॉयज भी है और गर्ल्स भी है, ठीक है, बॉयज भी गर्ल्स भी है, और टोटल कितने दे रखे, 10 स्टूडेंट। तो मैंने क्या माना, मैंने ऐसे माना बेसिकली, बताता हूं, लेट सपोज कर लेते हैं, लेट नंबर ऑफ गर्ल्स इक्वल्स टू एक्स मान लिया, और यहां पर मान लिया नंबर ऑफ बॉयज, क्या मान लिया, वाई, हमको पता नहीं है ना, तो एक्स वाई में मान लिया। अब टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट कितने क्लास 10th में, 10, तो एक्स प्लस वाई इक्वल टू 10 हुआ ना, नंबर ऑफ गर्ल्स, नंबर ऑफ बॉयज, इन दोनों का सम कितना आता है, 10, ये हमको क्वेश्चन में दे रखा है। और दूसरी जो इक्वेशन वो मैं आपको डिकोड करके बताता हूं, देखो यहां लिख रहा है नंबर ऑफ गर्ल्स, नंबर ऑफ गर्ल्स को क्या माना, एक्स लिख देते हैं, इसका मतलब होता है इक्वल, ओके, 4 लिख देता हूं, मोर, मोर का मतलब प्लस, और मोर देन नंबर ऑफ बॉयज, नंबर ऑफ बॉयज कितना, वाई, देखो डिकोड कर दिया मैंने,
ये इक्वेशन बन जाएगी, फाइंड द नंबर ऑफ बॉयज गर्ल टू पार्ट इन द कुछ। अब हमको एक्स और वाई की वैल्यू निकालनी, ठीक है, तो यहां से मैं क्या कर सकता हूं, इसको एक्स, ये वाई को इधर ले जाओ, माइनस का वाई इक्वल टू फोर। अब यहां पे दे नहीं रखा आपको कौन सा मेथड से इसको सोल्व करना है, तो हम कोई सा भी मेथड लगा लेते हैं। जैसे मान लो एलिमिनेशन से मैं आपको बताता हूं, यहां पर एक्स माइनस का वाई इक्वल टू फोर। अब देखो एलिमिनेशन कैसे लगाते हैं वो देख लो। एलिमिनेशन लगाने के लिए दोस्तों क्या करते हैं, जैसे मैंने इसको माइनस करा, क्या करा, माइनस का। अब यहां पर देखो ये प्लस का एक्स है ना, कुछ नहीं है यहां पर, तो प्लस मान लेते प्लस, तो ये क्या हो जाएगा माइनस, ये माइनस का साइन देगा, नीचे वाली इक्वेशन देखना, ये माइनस दे रहा है तो ये क्या हो जाएगा प्लस, ये प्लस दे रहा है तो ये क्या हो जाएगा माइनस, ठीक है। अब जब हम एक्स में से इसको घटाएंगे तो ये वाला साइन नहीं देखेंगे, नीचे वाला साइन देखेंगे, एक्स में से माइनस एक्स गए तो कट गए, ठीक है। वाई प्लस का है और ये माइनस का नहीं देखना, नीचे वाला देखना है प्लस का वाई, वाई और वाई कितना हो जाएगा टू वाई, फिर इक्वल का साइन। अब टेन में से माइनस का फोर गया तो कितना बचा सिक्स, तो वाई की वैल्यू बेसिकली यहां से क्या आ गई सिक्स अपॉन टू, और टू से एक कैंसिल करेंगे तो कितना आ जाएगा थ्री, तो वाई की वैल्यू थ्री आ गई। अब वाई की वैल्यू थ्री आ गई आपके पास, ठीक है, तो एक्स की वैल्यू निकल जाएगी, एक्स बराबर क्या होता है फोर प्लस वाई, तो यहां पर रख देंगे फोर प्लस थ्री, यानी कि एक्स की वैल्यू कितनी आ गई आपके पास सेवन, ठीक है। तो हमारे पास बेसिकली नंबर ऑफ जो गर्ल्स है ना उसकी वैल्यू तो आ गई सेवन, और नंबर ऑफ बॉयज है उसकी वैल्यू कितनी आ गई, नंबर ऑफ बॉयज वाई ना थ्री, तो ये आंसर है दोस्तों, है ना, सिंपल लगा आपको, बिल्कुल डिकोड कर दिया मैंने, एक एक चीज समझा दी इसकी, ठीक है, प्रैक्टिस करो बस आप, ठीक है, ये मैं मिटा देता हूँ। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, देखो इस तरह के क्वेश्चन भी आते हैं आपके एग्जाम में, तो ये वाले क्वेश्चन करते हैं, देखो इसमें क्या लिख रखा है, आपको बताना है विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ लीनियर इक्वेशंस आर कंसिस्टेंट एंड इनकंसिस्टेंट, इफ कंसिस्टेंट ऑब्टेन द सॉल्यूशन ग्राफिकली, ठीक है। सबसे पहले हम इसमें बात करते हैं कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट, ठीक है, सबसे पहले बात करते हैं। देखो इसमें आपको दिख रहा होगा A1 की वैल्यू कितनी है वन, B1 की वैल्यू कितनी है वन, और C1 की वैल्यू कितनी है, चाहे तो इसकी फाइव लिख दो, चाहे इधर ले जाओ माइनस फाइव लिख दो, मैं फाइव लिख देता हूँ, ठीक है फाइव, ठीक है। देखो इसको मैंने किससे कंपेयर करा, A1x प्लस B2y प्लस C2 इक्वल्स जीरो, इसको अगर मेरे को बनाना है ना तो मैं ऐसे बना लूंगा, इधर माइनस फाइव को इधर ले जाऊंगा। देखो x का जो कोफिशियंट होता है वो A1 है मैंने लिखा, जो कि है y, अच्छा y का कोफिशियंट होता है वो B2 होता है, सॉरी B1 या 1 1 कर लेना, ठीक है B1, तो y का कोफिशियंट क्या होगा, यहाँ कुछ नहीं है प्लस लग रहा है प्लस 1 मतलब 1 लिख दिया, ठीक है। और C1 कोफिशियंट चाहे तो इसको यहाँ पे ले आओ चाहे ना इधर ही रहने दो, तो C1 कितना मान लिया मैंने यहाँ पे 5 लिख दिया, क्या लिख रहे हैं 5, ठीक है, चाहे तो आप लिख दो, चलो माइनस 5 लिख दो, थोड़ा अच्छे से लगेगा, ठीक है। इसको बेसिकली मैंने कैसे लिख दिया एक्स प्लस वाई, और ये 5 है ना प्लस का इधर आएगा तो माइनस का 5 इक्वल टू 0, तो सी की वैल्यू कितनी आ गई माइनस 5। ऐसे ही मैं क्या करूँगा इसको देखूंगा, तो A1 की वैल्यू, A2 की वैल्यू कितनी है यहाँ पर 2, अब A2 हो जाएगा ना, B2 कितना है ये y का कोफिशियंट वो भी क्या है 2, C2 कितना है, C2 देखो इधर लिया होगा नहीं, देखो बराबर में 10 है, इधर लेकर आओगे तो माइनस का 10, तो माइनस का 10। अब कंडीशन लगा लो, कंडीशन क्या होती है A1 अपॉन A2, B1 अपॉन B2 और C1 अपॉन C2, ठीक है। A1 अपॉन A2 कितना है 1 अपॉन 2 कितना है, ये मैं रख लेता हूँ, देखो A1 की वैल्यू 1, A2 की वैल्यू कितनी है 2, B1 की वैल्यू 1, B2 की वैल्यू 2, C1 की वैल्यू कितनी है माइनस 5, C2 की वैल्यू कितनी है माइनस 10, तो देखो 1 अपॉन 2 माइनस माइनस 5 बन जाओ 5 टू 10, तो तीनों बराबर हो, ये कंडीशन कौन सी है ये वाली, जब तीनों बराबर होते हैं कंसिस्टेंट की है ना ये, जिसमें क्या होता है संपाति कोइंसिडेंट वाली है, ठीक है, कोइंसिडेंट वाली इक्वेशन बनेगी इसमें, तो और ये एक दूसरे पर ओवरलैप होगी, ये पता है ना आपको, तो यानी कि ये कंसिस्टेंट आ गया, क्या आ गया कंसिस्टेंट, मैं मिटा देता हूं, ठीक है। पहला क्या आ गया आपका, ये कंसिस्टेंट आ गया, कंसिस्टेंट, ठीक है। दूसरा वाला आप चेक करेंगे ना, चेक कर लेते हैं इसको, तो ये देखो यहां पर A1 कितना है, मैं डायरेक्ट बता रहा हूं 1, B1 कितना है यहां पर माइनस 1, C1 कितना है उसको यहां ले आना इधर की तरफ माइनस 8, अच्छा A2 कितना है इधर 3, B2 कितना है इधर माइनस 3, C2 कितना है इधर माइनस 16, तो यहां करेंगे 1 अपॉन 3, यहां पे करेंगे 1 अपॉन 3, माइनस का माइनस से कैंसिल हो जाएगी, और यहां पे करेंगे 8 अपॉन 16, माइनस का 8 अपॉन माइनस का 16 है, तो माइनस से माइनस कैंसिल है ना, और यहां पर आपका 1 अपॉन 2, यानी कि क्या हुआ A1 अपॉन A2 इक्वल्स टू B1 अपॉन B2 और इज नॉट इक्वल टू C1 अपॉन C2, तो ये वाली कंडीशन कौन सी होती है इनकंसिस्टेंट की, पता है ना, तो ये वाला क्या हो गया इनकंसिस्टेंट, और ये पैरेलल लाइन होगी, ठीक है पैरेलल लाइन होगी, और इसमें कोई सॉल्यूशन नहीं आएगा, ठीक है ध्यान रखना अच्छे से करना इसको, ठीक है, नहीं तो आप गलत कर दोगे। फिर इसके बाद इसको देखते हैं, तो अब मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं, देखो 2 अपॉन 4, अब आपको आ गया होगा 1 अपॉन इसका माइनस 2, ठीक है, और माइनस 6 अपॉन माइनस 4, ठीक है। अब देखो 2 से कैंसिल कर लो, 1 अपॉन 2 इक्वल टू, ये माइनस में और ये प्लस में, ये तो यहीं पर ही वो हो रहे अनइक्वल, तो ये कंडीशन हो गई A1 अपॉन A2 इज नॉट इक्वल टू B1 अपॉन B2, और ये कंडीशन किसकी होती है कंसिस्टेंट की, इसमें एक सॉल्यूशन आता है ऐसे इंटरसेक्टिंग लाइन होती है, तो ये किसकी हो गई कंसिस्टेंट। अब आखिरी का देखते हैं, आखिरी का देख लेते हैं दोस्तों, आखिरी का देखते हैं, देखो 2 अपॉन 4, फिर लिखा मैंने माइनस का 2 अपॉन माइनस 4, फिर अगेन लिखा माइनस का 2 अपॉन माइनस 5, तो ये 1 अपॉन 2 माइनस माइनस 2 से 1 अपॉन 2 कट जाएगा, और ये माइनस माइनस 2 अपॉन 5, तो यहाँ दिख रहा है आपको ऐसी हो रही है कंडीशन, 1 अपॉन 2
और यहाँ पे क्या आ रहा है, वन अपॉन टू आ रहा है, लेकिन ये अनइक्वल हो रहा है टू अपॉन फाइव आकर, ये अनइक्वल होता है। ये भी क्या हो जाएगी आपकी, वही हो रही है ना कंडीशन, बी वन अपॉन बी टू इज नॉट इक्वल टू सी वन अपॉन सी टू, तो यहाँ पर ये हो जाएगी इनकंसिस्टेंट। ठीक है, पहले तो हमने ये बता दी, देखो मैंने आराम से समझाया था आपको ताकि अच्छे से समझ में आ जाए। अब देखो, अब आपको ग्राफ प्लॉट करना है। देखो एक तो ये है इसका कंसिस्टेंट का और एक इसका, इसने बोला ना अगर कंसिस्टेंट हो तो ग्राफ प्लॉट करो, तो मैं कोई सा एक बता देता हूँ, जैसे मैं फर्स्ट वाला ही बता देता हूँ आपको। तो देखो मैंने क्या करा, सबसे पहले फर्स्ट वाला लिखा एक्स प्लस वाई इक्वल्स टू फाइव, ठीक है, तो इसको मैं लिख सकता हूँ वाई इक्वल्स टू फाइव माइनस एक्स, ठीक है। और दूसरी इक्वेशन इसने दे रखी टू एक्स प्लस टू वाई इक्वल्स टू टेन, इसको मैं लिख सकता हूँ टू वाई इक्वल्स टू टेन माइनस का टू एक्स, और फिर लिख सकता हूँ वाई इक्वल्स टू टेन माइनस टू एक्स अपॉन टू, ऐसे लिख सकता हूँ, टू इंटू में ना नीचे हो जाएगा, ठीक है, इसको मैंने ऐसे लिख लिया। अब इसका हम बनाएंगे ग्राफ, तो ये बनाते हैं हम ग्राफ, ठीक है दोस्तों। ये तो हो गया आपका ओरिजिन, ओरिजिन के कोऑर्डिनेट क्या होते हैं, निर्देशांक क्या होते हैं, जीरो जीरो, ध्यान रखना आ सकता है पेपर में, इसके क्या होते हैं जीरो कॉमा जीरो, ठीक है। ये होती है आपकी एक्स एक्सिस, ये होती है आपकी वाई एक्सिस, ठीक है। लेकिन इससे पहले बना लेते हैं इसका हम वैल्यूज, ठीक है। तो यहां पर मैं इसकी वैल्यूज बनाता हूं, ये मैंने बना दी, यहां एक्स लिखा या वाई लिखा, ऐसे ही मैं इसकी वैल्यू का वो टेबल बनाता हूं, टेबल ये एक्स लिखा ये वाई लिखा, ठीक है। अगर मैंने एक्स की वैल्यू यहां जीरो पुट करी, यहां पर एक्स की वैल्यू जीरो पुट करी, तो वाई की वैल्यू क्या आएगी, यहां पर जीरो, फाइव माइनस जीरो फाइव आएगी। अगर एक्स की वैल्यू मैंने यहां पर वन पुट करी, एक्स की वैल्यू क्या पुट करी वन, तो वाई की वैल्यू फाइव माइनस वन फोर होगी, ठीक है। ऐसे ही इसमें एक्स की वैल्यू अगर मैंने यहां पर जीरो पुट करी, तो टू इंटू जीरो जीरो हो जाएगा, और टेन अपॉन टू कितना था फाइव, तो एक्स की वैल्यू जीरो पुट करी, वाई की वैल्यू कितनी आ गई फाइव, ठीक है, टेन अपॉन टू मतलब फाइव ही होता है ना। फिर एक्स की वैल्यू मैंने वन पुट करी यहाँ पे, टू इंटू वन टू, और टेन में से टू गया तो कितना बचा एट, और एट अपॉन टू कितना होता है फोर, तो एक्स की वैल्यू मैं क्या पुट कर रहा हूँ यहाँ पर वन, तो वाई की वैल्यू कितनी आई बेसिकली यहाँ पर, देखो टेन में से टू गया एट, एट अपॉन टू कितना होता है एट अपॉन टू फोर, ठीक है। अब इनको ग्राफ में प्लॉट कर लेते हैं दोस्तों, आप वैल्यू को तीन तीन भी ले सकते हो ऐसे, एक एक एक्स्ट्रा भी ले सकते हो ना। तो आप देखते हैं यहाँ पर बना लेते हैं वन टू थ्री फोर फाइव एक्स एक्सिस, यहाँ पर माइनस में तो लिए नहीं, यहाँ पर बनाओ मत माइनस का एक्स एक्सिस है ना, बनाए वो मतलब ली नहीं ना वैल्यू, तो वन टू थ्री और ये फोर, और वाई की वैल्यू फाइव तक ले, ठीक है। अब देखो पहला कोऑर्डिनेट क्या है, जीरो कॉमा फाइव, एक्स की वैल्यू जीरो है वाई की वैल्यू फाइव है, तो यहाँ पर जाएंगे या क्या हो गया जीरो कॉमा फाइव एक्स की वैल्यू, फिर एक्स की वैल्यू वन है वन पे गए, और वाई की वैल्यू फोर है तो फोर पे गए, यहाँ पर आएगा, ठीक है। ये क्या हो गया आपका वन कॉमा फोर, अब ये लाइन ना स्केल से मिलाना एकदम, तो स्केल से मिलाओगे ना तो सीधी ऐसे जाएगी, ठीक है कुछ। फिर उसके बाद देखो इसकी एक्स की वैल्यू जीरो है और वाई की वैल्यू फाइव है, तो ये वाला पॉइंट भी यहीं आएगा, एक्स की वैल्यू वन है ठीक है वन पे गए, और वाई की वैल्यू फोर है, ये भी यहाँ पर जाएगा, दोनों एक ही लाइन पर आ जाएगी। और ये मैंने तुमको बताया था ये वाली कंडीशन जो थी ना पहली वाली, कंसिस्टेंसी डिपेंडेंट कंसिस्टेंसी, मतलब एक लाइन के ऊपर एक लाइन बन रही थी, और ये वाली कंडीशन कौन सी होती है, ए वन अपॉन ए टू बराबर बी वन अपॉन बी टू इक्वल्स टू सी वन अपॉन सी टू, मतलब दोनों ओवरलैप हो जाएगी एक दूसरे के ऊपर, ठीक है। और ये हो भी रहा है, ग्राफिकली हमने रिप्रेजेंट कर दिया। अब आपको ये थर्ड वाला करना है दोस्तों, है ना, थर्ड वाला आप करके देखना, नहीं होगा तो कमेंट कर देना दोस्तों, है ना, ये मैंने आपको बताई दी। अब हम आगे चलते हैं दोस्तों, है ना, तो आगे चलते हैं दोस्तों। देखो ये 3.1 का, 3.1 का ये फिफ्थ सिक्स और सेवन्थ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो मैं ये भी बता देता हूँ आपको, है ना। तो देखो इस वाले क्वेश्चन में मैं आपको बता देता हूँ, देखो ये क्वेश्चन है हाफ द पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल लगाना। अब आप मेरे को ये बताओ रेक्टेंगल का पेरीमीटर क्या होता है, टू इंटू एल प्लस बी होता है, पढ़ा होगा अपने पेरीमीटर, ये रेक्टेंगल का पेरीमीटर होता है ना, इसने बोला हाफ द पेरीमीटर, हाफ द पेरीमीटर मतलब एल प्लस बी की वैल्यू दे रखी है, और वो किसके बराबर दे रखी है, वो दे रखी है देखो हाफ द पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगुलर गार्डन हूज लेंथ, लेंथ दे रखी है 4 मीटर मोर देन इट्स विड्थ, ये तो अभी रुक जाओ इस, देखो एक कॉमा लगा रखा है, इसके बाद डायरेक्ट आपको क्या पढ़ना है, देखो इसे क्वेश्चन में थोड़ा सा ट्विस्ट कर रहा है, इसके बाद डायरेक्ट ये पढ़ना है हाफ द पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगुलर गार्डन इज 36, तो ये किसके बराबर दे रखा है 36, ये दे रखा आपको बेसिकली, एल प्लस बी की वैल्यू क्या दे रखी है आपको, हाफ द पेरीमीटर मतलब ये पेरीमीटर होता है और हाफ करेंगे तो याद आएगा, हाफ द पेरीमीटर मतलब 36, ठीक है। अब देखो जैसे जैसे बोल रहा था वैसे वैसे लिख देते हैं, तो यहाँ पर बोल रखा है हूज लेंथ मतलब लेंथ एल इज, इसका मतलब ये 4 मतलब ये मोर का मतलब प्लस, और विड्थ, विड्थ को आप बी मान लो, ठीक है, ये इक्वेशन बन गई। अब एक इक्वेशन ये बन गई, एक इक्वेशन ये बन गई, सोल्व कर लेते हैं, तो दोनों इक्वेशन को मैं लिख देता हूं आपको, एक तो बनी एल प्लस बी इक्वल टू 36, और एक बनी एल ये बी को यहां ले जाएंगे माइनस का बी इक्वल टू 4, ओके। अब इनको सोल्व कर लेते हैं एलिमिनेशन मेथड से कर लेते हैं ना, प्रतिस्थापन विधि से, ठीक है एलिमिनेशन, ठीक है, तो एलिमिनेशन से हम कर लेते हैं। देखो तो मैंने आपको क्या बताया था, माइनस कर देते हैं ना, माइनस करेंगे तो प्लस का साइन है माइनस हो जाएगा, ये माइनस का साइन है प्लस हो जाएगा, ये प्लस का साइन है माइनस हो जाएगा, तो एल प्लस का है यहाँ पर ये, और ये माइनस का एल कट जाएंगे, और प्लस का भी है और ये प्लस का भी, टू भी हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ 36 माइनस 4 कितना होता है 32, इतना आप कर लेंगे, तो बी की वैल्यू क्या रहेगी 32 अपॉन 2 काट लेंगे 16, और यूनिट क्या है मीटर, तो बी की वैल्यू कितनी आ गई 16 मीटर, बी तो आ गया हमारे पास। अब हमको एल निकालना है, तो एल क्या होता है,
फोर प्लस बी, फोर बी की वैल्यू रख दो, एल की वैल्यू कितनी आ गई 20 मीटर। देखो कितना सिंपल सा आंसर हो गया ना, बस प्रैक्टिस की जरूरत है आपको ना, ये भी मिटा देता हूँ ना। ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखो ये वाला, गिवन द लीनियर इक्वेशन 2x + 3y -80 क्वेश्चन, राइट द अनदर लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल सच दैट द ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ द पेयर सो फॉर्मड इंटरसेक्टिंग लाइन पैरेलल लाइंस कोइंसिडेंट लाइन। ठीक है देखो सबसे पहले इक्वेशन लिख लेते हैं, 2x + 3y - 8 = 0। अब इसमें ए वन की वैल्यू कितनी है, 2 है, ठीक है, बी वन की वैल्यू कितनी है इसमें, 3 है, सी वन की वैल्यू कितनी है इसमें, -8। ओके दोस्तों अब देखो बेसिकली हम क्या करेंगे, देखो जैसे ये वाली वैल्यू तो आ गई, जैसे हमको पहला वाला इंटरसेक्टिंग लाइन बनानी, क्या बनानी है, इंटरसेक्टिंग, अब पूरा लिख लेना आप, इंटरसेक्टिंग लाइन बनानी है, तो ए टू की वैल्यू क्या लूँ मैं, बी टू की वैल्यू क्या लूँ मैं और सी टू की वैल्यू क्या लूँ मैं। ठीक है देखो ये वाली कंडीशन ऐसे बनती है ना, ए वन अपॉन ए टू इज नॉट इक्वल टू बी वन अपॉन बी टू, फिर आप आगे चाहे कुछ भी ले लो कोई दिक्कत नहीं है, इंटरसेक्टिंग लाइन में ये कंडीशन होती है। ठीक है तो यहाँ पर आप कुछ भी ले लो, जैसे मैंने मान लिया 3 ले लिया, ठीक है यहाँ पर मैंने कुछ भी ले लिया, ठीक है यहाँ पर 7 मान, दोनों अनइक्वल हो गए ना, यहाँ पर रखोगे देखो 2/3 इज नॉट इक्वल टू 3/7। ठीक है यहाँ पर आप चाहे 9 रखो कुछ भी रख लो, तो इक्वेशन बन गई ना हमारी, क्या लिखूंगा मैं यहाँ पर ए टू, देखो ये ऐसे ए टू एक्स प्लस बी टू वाई प्लस का सी टू इक्वल टू 0 ये, ठीक है तो मैं इसमें यहाँ लिखूंगा 3x + 7y + 9 = 0 ये इक्वेशन बन गई। अब कुछ भी इक्वेशन बन सकती है आपकी, यहाँ 5 ले लो या 8 ले लो, तो ये दोनों अनइक्वल होनी चाहिए, मतलब ऐसे इस तरह से ये कंडीशन फुलफिल होनी चाहिए इंटरसेक्टिंग लाइन के लिए। ठीक है ठीक है यहाँ कंडीशन फुलफिल होनी चाहिए। अब नेक्स्ट कर लेते दोस्तों इसी तरह से, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो इसी तरह से, तो सेकंड पार्ट, अब हमको क्या बनानी है, पैरेलल लाइन, पैरेलल लाइन की कंडीशन क्या होती है, a1/a2 = b1/b2 इज नॉट इक्वल टू c1/c2। मतलब आपको देखो कंडीशन कैसे लेनी होगी, a2 बराबर ले लिया जैसे मैंने मान लिया 4 ले लिया, b2 मैंने मान लिया जैसे मैंने देखो ये काटेंगे 1/2 होएगा, इसको काटेंगे तो यहाँ 6 ले लो, 3 1 जा 3 2 जा 2 1 जा 2 2 जा, 1/2 आए 1/2 आए, यहाँ पे कुछ भी ले लो, उठपटांग ले लेना यहाँ पे 7 ले लो, तो यहाँ पर ये अनइक्वल करना है इसलिए। अब देखो ये 1/2 2/4 करेंगे 1/2, ये 3/6 करेंगे 1/2, 3 से काटो ना 3 1 जा 3 2 जा 6, और ये नॉट इक्वल टू होगा क्योंकि -8/7 है जो कि इसके अनइक्वल है, बराबर नहीं है, तो ये आगे पैरेलल लाइन का आपका। ठीक है पैरेलल लाइन का बन गया ये फॉर्मूला, अब इसको लिख दो इक्वेशन में 4x + 6y और ये प्लस का 7, ये आपकी इक्वेशन हो गई। ठीक है अब ये आखिरी बच्चा कोइंसिडेंट लाइन, कोइंसिडेंट लाइन का आप बनाएंगे दोस्तों, उसमें ध्यान रख लेना तीनों बराबर होनी चाहिए, तीनों क्या होनी चाहिए, बराबर होनी चाहिए तीनों, ये एक मिनट मैं आपको बता देता हूँ थोड़ा सा, ये तीनों बराबर होनी चाहिए, देखो तीनों बराबर होना चाहिए, तो इसको ऐसे लेना जैसे मैंने यही लिया, बस यहाँ पर माइनस का 8 कर देना, -8 से 8, लेकिन अभी भी नहीं होगा, यहाँ पे लिखना -16 8 1 -1 कैंसिल 8 1 जा 8 2 जा 16, ये 1/2 ये भी 1/2 ये भी 1/2, तो यहाँ पे बेसिकली बन जाएगी 4x + 6y और -16 = 0, ये बन जाएगी इक्वेशन किसकी, कौन सी बन जाएगी, तो सिंपल है ना, ये भी कर लिया दोस्तों। अब हम करते हैं आगे दोस्तों, ये 7th वाला क्वेश्चन कर लेते हैं, तो 7th वाला क्वेश्चन देखो दोस्तों क्या है, draw the graph of equation a and a, determine the coordinate of the vertex of the triangle formed by these lines and the x-axis and the shade the triangular region and find its area, ये भी आ सकता है इसमें अगर बनाना चाहे, find its area, इसका area निकालना, तो देखो कैसे करेंगे देख लेते हैं हम। ठीक है तो देखो सबसे पहले तो ये इंटरसेक्टिंग लाइन है या नहीं इसका पता कर लेते हैं, तो यहाँ पर देखो a1 कितना है 1 है, ठीक है b1 कितना है -1 है, c1 कितना है 1 है, यहाँ पर a2 कितना है 3 है, b2 कितना है 2 है, C2 कितना है -12 है। अब देखो a1/a2 b1/b2 c1/c2, ये देखो 1/3 और ये -1/2, ये नॉट इक्वल हो रहे ना यहीं पर ही, तो यानी कि इंटरसेक्टिंग लाइन होगी, ये तो कन्फर्म है। अब हम इसको ग्राफिकली रिप्रेजेंट भी कर लेते हैं ना, ये तो हमने वेरी यहाँ पे बता देना ये इंटरसेक्टिंग हो, इसको करके बता देना अपने एग्जाम में, ठीक है अगर ये ज़्यादा नंबर का आता है तो। ठीक है अब हम बेसिकली हम इसका ग्राफ बनाएंगे, ठीक है तो हम इसका ग्राफ बनाएंगे, लेकिन उससे पहले वैल्यू भी चाहिए हमको। ठीक है तो हम क्या करते हैं, जैसे ये लिखा एक्स इक्वल्स टू वाई, माइनस वाई को उधर ले जाओ और वन को उधर ले जाओ, माइनस वाई उधर ले जाओगे तो प्लस का वाई, और प्लस वन को उधर ले जाएंगे तो माइनस का 1, ये हो जाएगा। अब इसको भी लिख लेते हैं, तो मेरा यहाँ पर 3x = देखो माइनस का 12 उधर ले जाएंगे तो 12, और 2y प्लस का है, देखो आगे वाला साइन देखते हैं, प्लस का 2y है उधर ले जाएंगे तो माइनस का कितना हो जाएगा 2y, और ये 3 * मैंने इसके साथ तो नीचे 3 आ जाएगा, इसको हटा देते हैं। ठीक है इसको हम रिप्लेस कर देते हैं दोस्तों ना ये वाली चीज, तो इसको मैंने ऐसे लिख दिया। अब इनकी टेबल बना लेते हैं बेसिकली हम, ठीक है इसकी टेबल बना लेते हैं, पहले ये लिख दिया x, ये लिख दिया y, दो दो वैल्यू बहुत है ना काफ़ी है, दो दो वैल्यू निकालिए तब x और या कॉमा y, ठीक है थोड़ा अच्छे से बना लेना आप। ठीक है चलो ठीक है तीन तीन वैल्यू ले लेते हैं, अगर जरूरत पड़े तो अच्छे से हो जाएगा ना, तीन तीन वैल्यू ले लेते हैं, तो ये मैंने करा यहाँ पर तीन तीन वैल्यू के हिसाब से हम ले लेते हैं ये x कॉमा y, ठीक है इसको भी बढ़ा लेते थोड़ा सा आगे, और ये ठीक है। अब देखो सबसे पहले इसकी ये वाली ले लेते हैं,
अगर मान लो यहां पर मैंने y की वैल्यू 0 पुट करी, क्या पुट करी? 0, तो x की वैल्यू कितनी आई? -1, ठीक है। अगर मैंने y की वैल्यू यहां पर 1 पुट करी, y की वैल्यू 1 पुट करी, 1 माइनस 1 कितना होता है? 0, ठीक है। आप छोटी छोटी वैल्यू लेना ताकि हमारा अच्छे से बन जाए। y की वैल्यू अगर मैंने यहां पर 2 ली, y की वैल्यू क्या ली, सपोज करो 2 ली, तो 2 माइनस 1 कितना होता है? 1, तो x की वैल्यू कितनी होगी? 1, ओके। अब यहां पर देखो, यहां पर आपको ऐसी वैल्यू रखनी है कि 3 से डिविजिबल भी हो जाए अच्छे से, ठीक है। तो सबसे पहले y की वैल्यू 0 रखो यहां पर, तो y की वैल्यू 0 ली, 2 इंटू 0 मतलब 0 हो जाएगा, 12 अपॉन 3 हो जाएगा, और 12 अपॉन 3 हो जाएगा तो 3 4 जा 12 होता है, तो 4 आ जाएंगे, ठीक है, 4 आ जाएगा। फिर उसके बाद मैंने y की वैल्यू यहां पर 1 रखी, तो 12 में से 2 गया, तो 10 10 अपॉन 3 फ्रैक्शन में वैल्यू आएगा, पॉइंट में, तो वो नहीं लगेंगे, है ना। तो यहां पे हम रखते हैं 2, 2 भी नहीं रखते, 3 रखते हैं, 3 2 जा 6, y की वैल्यू मैंने रखी 6, 3 2 जा 6, और 12 में से 6 गए तो 6, और 6 अपॉन 3 कितना होता है? 2, ठीक है। ये सॉल्व कर लेना, करके देख लेना, हो जाएगा, ठीक है। अब मैंने यहां पर रखा 6, y की वैल्यू मैंने 6 रखी, 6 2 12, 12 माइनस 12 कितना होता है? कट जाएंगे आपस में 0, 0 अपॉन 3 मतलब ऊपर अगर 0 आ गए तो सब कुछ 0 हो जाएगा, ठीक है। अब देखो प्लॉट कर लेते हैं, यहां पर वैल्यू माननी पड़ेगी 1 2 3 4 ये 5, यहां पे माइनस में भी है तो माइनस 1 माइनस 2, ठीक है। यहां पे रख लेते हैं 1 2 3 4, अब देखो ये थोड़ा 6 तक है ना, तो 5 और ये 6 तक ले लिया, ठीक है। अब इनको हम बना लेते हैं। सबसे पहले देखो कौन सा पॉइंट है, वो हम देख लेते हैं। सबसे पहला पॉइंट है आपका ये वाला ले लेते हैं, माइनस 1 एंड 0, माइनस 1 एक्स एक्सिस पर है, तो वाई की वैल्यू तो 0 है ना, ऊपर जाएंगी नहीं, ये वाला पॉइंट हो जाएगा माइनस 1 कॉमा 0। उसके बाद है 0 कॉमा 1, देखो 0 तो एक्स एक्सिस में यहां पर है और 1 कहां पर है? यहां पर है, तो ये कौन सा हो गया? 0 कॉमा 1, ठीक है, दो वैल्यू ले ली। और तीसरी है 1 कॉमा 2, देखो एक्स एक्सिस में 1 है और 2 यहां पर है, मतलब ये सीधी लाइन ऐसे जाएगी कुछ, अगर स्केल से मिलाएंगे तो सीधी लाइन ऐसे चली जाएगी, ठीक है। उसके बाद इसको मिलाते हैं 4 कॉमा 0, एक्स की वैल्यू क्या है? 4 है, और वाई की वैल्यू 0 है, तो ऊपर जाएंगे नहीं ना नीचे जाएंगे, 4 कॉमा 0 लिख देंगे, 4 कॉमा 0। फिर उसके बाद 2 कॉमा 6, 2 यहां पर है आपका x एक्सिस पर और 6 हमको ऊपर जाना है, तो 6 यहां पर 2 कॉमा 6 है, ठीक है। फिर 0 कॉमा 6, 0 x एक्सिस पर है, 6 कहां जाना है? ऊपर, ऊपर बेसिकली ये सब, एक मिनट, x की वैल्यू 0 है, ठीक है, और यहां पर देखो x की वैल्यू, देखो रुको रुको रुको, y की वैल्यू मैंने 6 पुट करी, x की वैल्यू 0 आ गई, हाँ ठीक है। तो यहां पर ये क्या हो जाएगा? 6 हो जाएगा, ठीक है। यहां पर आप देखेंगे थोड़ा सा ना लाइन टेढ़ी हो रही है, क्योंकि मैंने ना यहां पर इक्वल इक्वल में लिया, ध्यान रखना, ठीक है। अब देखो आप इसको है ना ऐसे यहां पर यूं इस तरह से लेकर आओगे, और एक यहां पर ये कटेगा, ठीक है, यहां पर इस तरह से, ठीक है। अब ये जो वाला पॉइंट है ना, आप स्केल से बनाओगे ना, तो ये कोई पॉइंट आएगा इधर, ठीक है। ये बेसिकली जो पॉइंट आएगा मैं आपको बता देता हूं, ये जो पॉइंट आएगा ना, ये आपका 2 तो आएगा x एक्सिस पर, और यहां से जो पॉइंट आएगा ना वो 3 आएगा। अब देख लेना 2 या 3 या 4 आएगा, अब बराबर बराबर इक्वल में लेना, ठीक है, यहां पे ग्राफ में, तो आपका आ जाएगा, ठीक है। तो बेसिकली यहां पर हमने ये बना लिया। अब देखो अगर हमको इसका ये देखो, अब सपोज कर लेते हैं 4 है, ठीक है, यहां पर ये सपोज कर लेता हूं 4 है यहां पर, ठीक है, एक तरह से सपोज कर लिया, अब 4 आ रहा है तो 4 में मान लेता हूं, ठीक है। तो आप देख लेना 4 आ रहा है, 3 आ रहा है, ठीक है, 2 कॉमा 4 यहां पे जाओ काट रहा है, ठीक है। अब ये तो हमने निकाल दी ग्राफिकली, अगर इसका एरिया निकालना है हमको, क्या निकालना है? एरिया, एरिया का होता है हाफ इंटू बेस इंटू परपेंडिकुलर हाइट, ठीक है। तो हाफ लिखूंगा, बेस कितना है इसमें, देखो बेस, बेस देखो इसमें, बेस देखो 1 2 3 4, देखो इसमें क्या है, 1 का 1 का 1 का 1 का 4 हुआ, और परपेंडिकुलर कितना है इसमें, परपेंडिकुलर कितना है इसमें, देखो यहां पे ये 0 से चलेंगे, 0 से 1, 1 से 2, 2 से 3, 3 से 4, तो 4 परपेंडिकुलर आ रहा है आपका, ठीक है। परपेंडिकुलर कितना है? 4 आ रहा है। अब यहां पे देख लेना आप, 3 आ रहा है, 4 आ रहा है, एकदम इनको बराबर लेना, इनको बराबर लेना तब, और ये पॉइंट लगा के देखना, ठीक है। तो 2 से कट गया 2 टाइम, और 4 2 जो कितना गया 8, तो ये 8 यूनिट स्क्वायर आ जाएगा इसका एरिया, ओके दोस्तों। अगर यहां पे सपोज करो ये स्केल से ना, आपके आपने करना ना 3 आ रहा है, तो फिर 3 यहां पे रख देना, और फिर आंसर कुछ डिफरेंट होगा थोड़ा सा, ठीक है। तो ये हमने कर लिया दोस्तों, है ना। अब हम इसको मिटा देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्राफ वाले शायद ही आए आपके पेपर में, ठीक है, आपको तो वो A1 A2 और ये सब्स्टिट्यूशन और एलिमिनेशन का ज्यादा आते हैं, ठीक है। अब देखो ये वाले जो क्वेश्चन है ये करते हैं 3.2 का सब्स्टिट्यूशन मेथड है, क्या है? सब्स्टिट्यूशन मेथड, ओके दोस्तों। तो सबसे पहले देखो हम क्वेश्चन करते हैं ये वाला, इस तरह के क्वेश्चन ज्यादा पूछते हैं, ठीक है। तो देखो हम कर रहे हैं बेसिकली सेकंड वाला क्वेश्चन कर रहे हैं, एस माइनस टी लिखा आपका 3 के बराबर, एस माइनस टी बराबर क्या लिखा? 3 के बराबर। तो यहां से मैं एस की वैल्यू निकाल लू, 3 माइनस का टी है ना इधर जाएगा, तो प्लस का कितना हो जाएगा? टी हो जाएगा, ठीक है। माइनस का टी है ना इधर जाएगा, तो प्लस का टी हो जाएगा दोस्तों, है ना। अब देखो इसका जो दूसरा पार्ट है ना, इसमें पुट करना है, तो मैं दूसरा पार्ट लिख देता हूं, एस अपॉन 3 प्लस टी अपॉन 2 इक्वल्स टू 6। अब s की वैल्यू तो मेरे पास 3 प्लस टी, यहां पुट कर दो, लेकिन ब्रैकेट में रखना दोस्तों, ठीक है। इसको मैंने लिख लिया t प्लस 3, ऐसे भी लिख सकता हूं, 3 प्लस टी भी लिख सकता हूं, ऐसे लिख दो ज्यादा अच्छा है, अपॉन 3 प्लस का t अपॉन 2 और इक्वल टू 6, ये मैंने लिख लिया, ठीक है। अब आपको बेसिकली कैलकुलेशन करनी है और कुछ नहीं है, ठीक है। अब मैंने क्या करा, यहां पर एलसीएम ले लिया, 3 और 2 का एलसीएम कितना था? 6, ठीक है। 3 6 को कितनी बार डिवाइड करता है? 2 टाइम, तो 2 लिख दो यहां पे, और जो ऊपर संख्या उसको इनटू में कर दो t प्लस 3, ध्यान रखना ब्रैकेट में साथ चलना चाहिए नहीं तो गलती हो जाएगी। 2 को 2 6 को कितनी बार डिवाइड करता है? 3 टाइम, और ऊपर जो बचा वो t का t लिख दो, ठीक है, और इक्वल्स टू यहां पे 6 है। अब 6 6 कितना होता है? 36, और ये ऐसे कैसे लिख दो, ठीक है, 2
ब्रैकेट में टी प्लस थ्री, ठीक है, और प्लस का 3t और इक्वल टू 6 × 6 कितना होता है 36, ये मैंने लिख दिया, ठीक है। अब जो है ना ब्रैकेट के अंदर 2 को अंदर मल्टीप्लाई कर दो, तो 2t प्लस का कितना हो जाएगा 3 2 जा 6 और प्लस का कितना हो जाएगा 3t और इक्वल टू 36, ओके। अब देखो यहाँ पे 2t और 3t कितना होता है 5t, ठीक है, और इक्वल टू 36। अभी जो प्लस का 6 है ना, टी तो है नहीं इसमें, टी को तो हमने प्लस कर दिया, अब जो 6 है ना प्लस का है, इधर जाएगा तो माइनस का 6 हो जाएगा ऐसे, तो ये कितना बचेगा 30, और यहाँ पे 5 के साथ t मल्टीप्लाई में ना तो नीचे चल जाएगा ये, तो 5 से कितने टाइम कटा ये 6 टाइम, तो t की वैल्यू कितनी आ गई आपके बेसिकली 6 आ गई, ठीक है, 5 6 जा 30। अभी t की वैल्यू जो 6 है ना इसमें पुट कर दो, तो s की वैल्यू बचेगी 3 प्लस t की वैल्यू कितनी है 6, यहाँ पुट कर दो, तो s की वैल्यू कितनी आ गई आपके पास 9 और t की वैल्यू कितनी आ गई 6, तो ये इसका आंसर है दोस्तों, है ना, सिंपल था ना, बस प्रैक्टिस की जरूरत है आपको, है ना, प्रैक्टिस जरूरत है, परफेक्ट नंबर आएंगे आपके, ठीक है, ठीक है। अब हम इसका अब फोर्थ पार्ट करते हैं ना दोस्तों, फोर्थ में भी दिक्कत आती है कई बच्चों को, तो फोर्थ पार्ट करते हैं ना, तो देखो इसका फोर्थ पार्ट है, देखो 0.2x, बस ये 0.2 से ही घबरा जाते हैं, बस 0.3y इक्वल्स टू 1.3 ये है, और जो दूसरा पार्ट है उसमें क्या है 0.4x प्लस 0.5y और 2.3 ये है। अब देखो यहां से पॉइंट हटाओ तो क्या लिख सकता हूं इसको 2/10 और x, बचपन में पढ़ा होगा ना, जैसे 0.2 है इसको मैं लिख सकता हूं 2/ देखो एक एक संख्या के बाद पॉइंट है तो 10 लगा दूंगा, जैसे ऐसे लिखा होता तो मैं इसको लिखता 2 और दो संख्या के बाद पॉइंट है तो 100 ऐसे लिखता हूं, वही करा है बस मैंने, है ना, और इसको क्या लिख सकता हूं मैं 3y अपॉन का 10 और ये ऐसे कैसे रख दो 1.3 को ऐसे कैसे छोड़ दो, ठीक है, चाहे तो इसको भी हटा लो, चलो कोई बात नहीं इसको भी हटा लो, ठीक है, इसको लिखूंगा 4x अपॉन का 10, इसको लिखूंगा 5y अपॉन का 10 और इसको लिखूंगा 23 अपॉन का 10, ओके, या एलसीएम ले लो, या अगर 10 का एलसीएम, 10 का एलसीएम, अगर 10 10 को कितनी बार डिवाइड करते हैं 1 बार, और 1 को किससे इंटू करने के लिए 2x, 2x नहीं मारे 1 चाहिए तो 1 इंटू 2x नहीं मार जाएगा, ठीक है, 10 10 को कितनी बार डिवाइड करता है 1 टाइम, और 1 को 3y से इंटू करना पड़ेगा तो 3y ऐसे रहेगा, और यहां पे कितना है 13/10, ठीक है, इसको भी ऐसे कर लूंगा मैं 4x प्लस का 5y नीचे 10 आ जाएगा और यहां पे 23/10, ठीक है। अब मैं क्या करूंगा 2x लिखूंगा प्लस 3y इक्वल्स टू 13/10 और ये 10 यहाँ पर इंटू में आ जाएगा 10, ये लिख दूंगा 4x प्लस का 5y और यहाँ पे लिख दूंगा 23/10 और ये 10 इंटू में, ठीक है, 10 से 10 इन हट गया, 10 से 10 कैंसिल हो गया, तो बेसिकली क्या इक्वेशन बनी 2x प्लस का 3y इक्वल्स टू 13। देखो मैं इसको यहाँ से तुरंत भी बता सकता था लेकिन ये भी आना चाहिए आपको कि कैसे आया, ठीक है, इसलिए बताया सब कुछ। फिर यहाँ पे इसको क्या लिखेंगे 4x, ठीक है, प्लस का 5y और इक्वल्स टू 23, ये इक्वेशन ये बन गई। अब देखो ये मैं इसको मिटा देता हूँ, ये आप नोट डाउन कर लीजिएगा वीडियो को पोज करके दोस्तों, है ना, ये मैं इसको मिटा देता हूँ, ठीक है, और मैं डायरेक्ट जो इक्वेशन बनी ना फाइनल वो मैं लिख देता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर क्या बनी थी आपकी 2x प्लस 3y इक्वल्स टू 13 और इसमें क्या बना था 4x प्लस का 5y इक्वल्स टू 23, ठीक है। अब मैं क्या करता हूँ, सब्स्टिट्यूशन मेथड है ना आपका, तो सब्स्टिट्यूशन मेथड में क्या करना होता है, इसकी वैल्यू इसमें पुट कर दो, चाहे इसकी वैल्यू निकाल के इसमें पुट कर दो, तो मैं यहाँ से x की वैल्यू निकालता हूँ, 2x बराबर लिखूंगा 13 माइनस ये 3y इधर चल जाएगा, ठीक है, तो x की वैल्यू क्या जाएगी 13 माइनस 3y और ये 2 इंटू में ना नीचे चल जाएगा। अब ये जो वैल्यू है ना x की, इसको ले जाके इसमें पुट कर दो, और या ब्रैकेट लगा लेना लेकिन, ठीक है, यहाँ पुट कर दो, तो 4x की वैल्यू की जगह ये पुट कर दो, तो ब्रैकेट में रख देंगे 13 माइनस 3y और नीचे कितना आ जाएगा 2, ठीक है, प्लस का 5y इक्वल्स टू 23 याद है। अब इसके नीचे 1 लगा लो, ठीक है, अब यहाँ एलसीएम आ जाएगा 2 और 1 का एलसीएम 2, 2 को कितनी बार डिवाइड करता है 1 टाइम और 1 किससे इंटू हो जाएगा इस पूरी ऊपर वाली संख्या से इंटू, तो इसको ऐसे कैसे लिख दो 4 13 -3y और यहाँ पे प्लस का 1 है 2 को कितनी बार, अब यहाँ पे 1 तो 2 को डिवाइड नहीं करता तो 2 डायरेक्ट इंटू हो जाएगा 5 से, तो 5 2 जा 10, 5 2 जा कितना हो जाएगा 10y और इक्वल्स टू कितना है 23, ठीक है। अब देखो इसको अंदर इंटू कर दो, 13 4 जो कितने होते हैं 52, ठीक है, माइनस 4 3 जो 12y और प्लस का कितना बचा 10y और इक्वल्स टू ये इससे इंटू हो जाएगा, देखो ये 1/ ऐसे इंटू हो जाता है ना क्रॉस मल्टीप्लाई, 23 2 जो कितना होता है 46, ठीक है, इतना हो गया आपका। अब देखो यहाँ पर देखो माइनस का 12y प्लस का 10y कितना बचेगा, माइनस का 2y, देखो माइनस की संख्या बढ़ी है ना, तो माइनस का 12 में से प्लस का 10 गया तो कितना बचा माइनस का 2y और इक्वल्स टू 46, ये 52 प्लस का इधर जाएगा तो माइनस का 52 हो जाएगा, ठीक है। फिर यहाँ पे क्या बचेगा माइनस का 2y इक्वल्स टू, अभी देखो 46 में से 52, चाहे ऐसे मान लो 52 में से 46 गए तो कितने बचे आपके पास 6 बचा ना आपका, लेकिन वो देखो 52 माइनस का है और वो बड़ा है तो माइनस का कितना आएगा 6, ठीक है, माइनस का कितना आएगा 6 आएगा। अब माइनस से माइनस कैंसिल और यहाँ पे देखो y बराबर कितना आ जाएगा 6/2, अब 2 से कितनी बार कैंसिल हो जाएगा 3 टाइम, ठीक है, 2 3 जा 6। अब यहाँ पे पुट कर दो x बराबर x की वैल्यू निकालनी है तो 13 माइनस 3, y की वैल्यू कितनी आई 3 है ना, y की वैल्यू,
और यहाँ पे 2, तो ये क्या जाएगा 13 माइनस 3, 3 जा 9, और यहाँ 2, तो 13 में से 9 गया तो 4 अपॉन 2, तो ये कितना आगे 2, तो यानी कि x की वैल्यू तो हमारे पास आई 2 और y की वैल्यू कितनी आई 3, ये इसका आंसर है दोस्तों। ठीक है, आसान था, बस थोड़ा सा ट्रिकी था ये, है ना, तो इसको प्रैक्टिस कर जाना दोस्तों, है ना, अच्छा क्वेश्चन है। फिर हम आगे करते हैं दोस्तों, है ना, इसको देखना है वापस से तो पोच करके बैक कर लेना वापस, है ना। तो नेक्स्ट क्वेश्चन ये वाला रूट वाला, तो ये भी काफ़ी बच्चों को प्रॉब्लम आती है इसमें, रूट आ गए ना, इसलिए 3y = 0, एक इक्वेशन ये है रूट 3x माइनस रूट 8y = 0। अब हम x की वैल्यू निकाल लेते हैं यहाँ से और इसमें पुट कर देंगे, तो x बराबर रूट 2x बराबर क्या आ जाएगा, यहाँ से इस रूट 3y को मैं इधर ले गया तो माइनस का रूट 3y आ गया, और ये रूट 2 को इसके नीचे ले जाएंगे तो x बराबर क्या जाएगा, माइनस का रूट 3 नीचे रूट 2 और ये y, ये वैल्यू को ले जाके इसमें पुट करना है, तो पुट कर देते हैं, रूट 3 मैंने लिखा, अब x की जगह रखना है तो माइनस ब्रैकेट और लगा देना, माइनस रूट 3 अपॉन रूट 2 और यहाँ पे वाई, और माइनस का रूट 8 और यहाँ पे वाई इक्वल 0। अब मैंने आपको शुरू शुरू में बताया था रूट एक्स इंटू रूट एक्स कितना होता है एक्स, ठीक है, तो यहाँ पे रूट 3 रूट 3 कितना होता है 3, तो माइनस का 3y और नीचे कितना आ जाएगा रूट 2 और यहाँ पे माइनस का रूट 8 और ये वाई, ठीक है, और यहाँ पे लगा लेंगे 1 नीचे, कुछ भी नहीं है ना, 1 लगा लो और इक्वल 0। अब यहाँ पे एलसीएम कितना जाएगा रूट 2 और 1 का, रूट 2, एलसीएम कितना जाएगा रूट 2 आ जाएगा, अब रूट 2 और रूट 2 सेम सेम है तो डायरेक्ट ऊपर वाली संख्या उतार दो, माइनस 3y, ठीक है, माइनस का माइनस, यहाँ पे 1 है यहाँ पे रूट 2 है, यहाँ पे 1 है यहाँ पे रूट 2 है, तो रूट 2 को डायरेक्ट इससे इंटू कर दो, माइनस का रूट 8 इंटू रूट 2, देखो रूट 8 इंटू रूट 2, जब भी इनको रूट रूट के अंदर इंटू करते हैं ना तो क्या आ जाएगा रूट 16, 8 2 जो कितना होते हैं 16, 16 होते हैं ना, और रूट 16 का कितना था 4, तो ये बेसिकली क्या हो जाएगा आपका 4 हो जाएगा, मैं डायरेक्ट लिख देता हूँ 4, है ना, तो यहाँ पे लिख देता हूँ मैं 4 और यहाँ पे वाई भी है साथ में डालना है इक्वल टू 0। अब देखो माइनस का 3y और माइनस का 4y दोनों जैसे एक जैसे ना वाई वाई आ रहे दोनों में, तो माइनस का 7y और इक्वल टू ये क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा रूट 2 इंटू 0 0 और y की वैल्यू क्या जाएगी 0 अपॉन माइनस 7। तो देखो ऊपर 0 हो नीचे कितनी भी संख्या हो बड़ी 0 आ जाएगा, वाई की वैल्यू 0। अब वाई की वैल्यू 0 आ गई तो एक्स की वैल्यू भी निकाल लेते हैं, तो एक्स की वैल्यू निकाल लेते हैं हम, तो एक्स की वैल्यू देखो एक्स की वैल्यू क्या निकालेंगे माइनस का रूट 3 अपॉन रूट 2 और y की वैल्यू क्या पुट करेंगे 0। अब 0 को किसी संख्या से इंटू करेंगे तो कितना आएगा 0 ही आएगा, ठीक है, तो x की वैल्यू 0 आ गई, y की वैल्यू क्या आ गई 0 आ गई, ये इसका आंसर है दोस्तों, सिंपल था, बस थोड़ा ट्रिक था, तो वो आप कर लेना प्रैक्टिस, आपको भी आसान लगे, बस प्रैक्टिस का खेल है और कुछ नहीं है ना मैथ। तो दोस्तों इस तरह से हमारे ये वाले क्वेश्चन भी हो गए, अब थोड़े वर्ड प्रॉब्लम के क्वेश्चन भी इसमें आते हैं तो वो भी हम देख लेते हैं दोस्तों ना। तो देखो सबसे पहले जो क्वेश्चन है इसमें दे रखा है द डिफरेंस बिटवीन टू नंबर्स इज 26 एंड वन नंबर इज 3 टाइम्स द अदर, फाइंड देम, ठीक है, तो इसको हम करते हैं दोस्तों। देखो इसका जो पहला क्वेश्चन है आपको दे रखा है यहाँ पे डिफरेंस, क्या दे रखा है डिफरेंस दे रखा है डिफरेंस, लेट कर लेते हैं लेट, ठीक है, बिगर नंबर, बिगर नंबर को मैंने मान लिया एक्स और स्मॉलर नंबर को मान लिया वाई, क्योंकि देखो डिफरेंस एक बड़ा और एक छोटा होता है तभी आता है डिफरेंस, अगर दोनों इक्वली है तो जीरो हो जाएगा ना वो, ठीक है, तो देखो डिफरेंस दे रहा है शुरू में डिफरेंस बिटवीन टू नंबर यानी कि एक्स माइनस वाई इक्वल्स टू 26 और वन नंबर आपको दे रहा है, देखो यहाँ पे देखो वन नंबर मैंने लिखा एक्स इज इसका मतलब इक्वल थ्री, थ्री लिख दिया टाइम्स, टाइम्स का मतलब मल्टीप्लाई द अदर, अदर का मतलब वाई, जो सारे डिकोड कर दिए, वन नंबर को मैंने माना एक्स, इच का मतलब बराबर, थ्री का मतलब थ्री, टाइम का मतलब इनटू, अदर का मतलब वाई, देखो डिकोड हो जाते हैं यहाँ से, ठीक है, तो एक्स बराबर थ्री वाई है और एक्स माइनस वाई बराबर 26 है, इसकी वैल्यू ले जाकर इसमें पुट कर दो आंसर आ जाएगा आपका। तो देखो मैं कर देता हूँ एक्स की वैल्यू 3y पुट कर दी और y बराबर 26, 3y में से y गया तो कितना बचा 2y इक्वल टू 26 और y की वैल्यू कितनी आ गई 26 अपॉन 2 आ जाएगा, तो कितना आ जाएगा 13 और y की वैल्यू अगर 13 आ गई तो x की वैल्यू कितनी आएगी 3 इंटू 13 पुट कर दो, x की वैल्यू आपकी आ जाएगी 39 और y की वैल्यू आपके पास आई 13, तो ये इसका आंसर है दोस्तों, सिंपल से है ना। अब मैं इसको बता देता हूँ कई बच्चों का क्वेश्चन गलत करवा देता है, तो इस वर्ड का मतलब मैं आपको बता देता हूँ, है ना, इस वर्ड का मतलब मैं आपको बता देता हूँ, जैसे ये लिखा ए एक्सीड्स बी, मतलब अगर हिंदी में बोले तो ए बी से अधिक है इतना और बाय 18 ऐसे मिला, तो इसको क्या लिखेंगे ए माइनस बी इक्वल्स टू 18, ठीक है, सिंपल सा लॉजिक है, जैसे यहाँ लिख रखा है अभी बताता हूँ इसको। देखो एक चीज और बता देता हूँ यहाँ पे, सप्लीमेंट्री एंगल क्या होता है, जिन दो एंगलों का सम 180 होता है, ठीक है, टू एंगल का सम क्या होता है 180 डिग्री। अब मैंने क्या करा, लेट सपोज करा लेट, ठीक है, बिगर एंगल x डिग्री मान लिया, ठीक है, और स्मॉलर एंगल y डिग्री मान लिया, इन दोनों का सम क्या होता है, सप्लीमेंट्री है ना वो, तो सप्लीमेंट्री दोनों का सम होता है 180 डिग्री, ये सप्लीमेंट्री होता है, कॉम्प्लीमेंट्री आता तो 90 डिग्री, ठीक है। अब देखो अब ये दे रखा है टू सप्लीमेंट्री एंगल एक्सीड द स्मॉलर, देखो बिगर किससे एक्सीड है, स्मॉलर से,
कितना है 18 डिग्री, ठीक है इस तरह से। तो एक इक्वेशन ये बन गई, एक इक्वेशन ये बन गई, अब इसको हम सोल्व कर लेंगे, ठीक है। तो देखो यहां पर एलिमिनेशन लगा देते हैं, एक्स एक्स कट जाएगा, मैं डायरेक्ट बता रहा हूं आपको है ना, वाई और प्लस वाई कितना जाएगा 2y, और ये ऐड कर दो आप, तो ये कितना जाएगा 8, और ये कितना जाएगा 9 और 1, ठीक है 8 और ये 9 और ये 1, ठीक है। अब इसको सोल्व कर लेंगे हम, y की वैल्यू क्या देगी 198 अपॉन का 2, तो y की वैल्यू क्या जाएगी 29 जा 18 है ना, और 29 जा 18, 99 डिग्री तो एक आ गया। और x की वैल्यू क्या देगी आपके पास, देखो x की वैल्यू क्या जाएगी, यहाँ पे पुट कर देंगे y की वैल्यू है ना, तो 180, y की वैल्यू यहाँ पे 99 पुट करी, इधर जाएगा तो माइनस का होगा ना, माइनस का 99, तो x की वैल्यू बेसिकली क्या हो जाएगी 101 डिग्री, ठीक है दोस्तों, ये हो जाएगी 101 डिग्री, सॉरी, ठीक है 99 डिग्री माइनस करेंगे तो 180 या 99 कर लेना, 10 में से 9 गया 1 और ये 17 में से 9 गया तो 81 डिग्री आ जाएगा, कितना आ जाएगा 81 डिग्री, और ये कितना आ जाएगा 99 डिग्री। अब इन दोनों को देखो सम करेंगे प्लस करेंगे तो ये कितना हो जाएगा आपका 180 डिग्री आना चाहिए, ठीक है 180 डिग्री आ जाएगा, इस तरह से ये हो जाएगा दोस्तों है ना। तो नेक्स्ट पार्ट कर लेते हैं इसका, ये मैं मिटा देता हूँ ना, नेक्स्ट वाले देखते हैं। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके दोस्तों, देखो ये कोच वाला, देखो कोच ऑफ अ क्रिकेट टीम बाय 7 बैट्स एंड 6 बॉल्स फॉर 3800 रुपी, ठीक है। देखो इसमें एक बैट का प्राइस आपको नहीं पता और ना ही इसमें बॉल का प्राइस पता, तो पहले सपोज कर लेते हैं लेट प्राइस, इसको थोड़ा मैं ऊपर कर लेता हूँ, ये तो बाकी के हो गए आपके ना, इसको मैं ऊपर कर लेता हूँ थोड़ा, तो ये बेसिकली थोड़ा ऊपर कर लेते हैं, जगह हो जाएगी, ठीक है। अब देखिए देखिए सबसे पहले मानना पड़ेगा आपको, लेट द प्राइस ऑफ बैट, बैट का प्राइस एक्स रुपये मान लिया, कितना मान लिया एक्स रुपये, ठीक है। और प्राइस ऑफ द प्राइस यहाँ पे लिख लेंगे, द प्राइस ऑफ यहाँ पे लिख रखा है आपका बॉल, ठीक है, तो बॉल का प्राइस मान लेंगे आप वाई रुपी, कितना मान लेंगे वाई रुपी, ओके। अब देखो मैं आपको जैसे मान लो सपोज करो बाजार से 5 पेन मंगाता हूँ, एक ही कॉस्ट 5 रुपये, 6 रुपये मान लो, 5 पेन मंगाए और एक ही कॉस्ट 6 रुपये, तो 5 × 6 करोगे ना 30 रुपये के बैठेंगे, 5 पेन 6 रुपये का अगर ये कहता हूँ, ऐसे ही अगर 7 बैट मंगाए और एक्स रुपये प्राइस है तो मैं इसको 7x लिखूंगा, ओके। ऐसे ही मैं बॉल का प्राइस लिखूँ, बॉल का प्राइस एक का वाई रुपये है और 6 बॉल का प्राइस क्या होगा 6y, और दोनों का जो मूल्य है ये क्या है रुपये टोटल बैट का, और ये क्या है टोटल प्राइस है बॉल का, और इनको प्लस कर देंगे तो टोटल प्राइस कितना दे रखा है आपको टुगेदर इनका दोनों को मिला के 3800। ऐसे ही इसकी इक्वेशन बनाओ, शी बाइज 3 बैट्स एंड 5 बॉल्स, और बाद में उसने कितने खरीदे 3 बैट्स 3x और 5 बॉल्स मतलब 5y, और ठीक है, और ये कितने रुपए 1750, ठीक है। अब ये दो इक्वेशन बन गई, दोनों इक्वेशन को आपको सोल्व करना है, तो इसको एलिमिनेशन से करेंगे, लेकिन लेकिन इनको सबसे पहले x को बराबर बनाना पड़ेगा, तो इसको मैं 3 से मल्टीप्लाई कर लेता हूं दोस्तों, और इसको 7 से मल्टीप्लाई कर लेता हूं, क्यों करा, क्योंकि देखो यहां 3 है इधर 3, यहां 7 है तो यहां 7 से इनटू 1, ओके। अब ये करूंगा मैं इनटू, तो 7 3 से कितना हो जाएगा 21x प्लस 6 3 से कितना हो जाएगा 18y, और यहां पर आपका क्या हो जाएगा 0 0 8 3 जा 24 2 कैरी गए, और 3 3 जा 9 9 और 2 11 यही आ जाएगा। उसके बाद इसको सोल्व कर लेता साथ 21x फिर प्लस का, इसको उससे भी कर सकते हो आप सब्स्टिट्यूशन मेथड से, ठीक है एलिमिनेशन से कर रहा हूँ मैं, एलिमिनेशन से भी कर सकते हो आपकी मर्जी, उससे कर लेना, ठीक है। अब मैं एलिमिनेशन से कर रहा हूँ, सब्स्टिट्यूशन तो मैंने ऊपर बता दिया आपको है ना, एलिमिनेशन से करता हूँ ताकि आपको सारे मेथड भी आ जाएंगे ना। 7 को 5 से करेंगे, 7 5 जो 35y, ठीक है, और इक्वल्स टू इसको 7 से इनटू करो 0 और 7 5 जो 35 5 कितना कैरी गया 3 और 7 7 जो 49 49 और 3 कितने होते हैं 52 5 कैरी गया, फिर 7 1 जो 7 7 और 5 12, तो ये आ जाएगा। अब ये दो इक्वेशन बन गया ना, इन इक्वेशन को हम सोल्व कर लेते हैं है ना दोस्तों। तो देखो इसको मैंने माइनस कर दिया, सब्ट्रैक्ट कर दिया, तो ये तो कट ही जाएगा। अब देखो यह माइनस ये प्लस का क्या हो जाता है माइनस, ये प्लस का क्या हो जाता है माइनस, तो 18 में से माइनस का 35 गया, तो माइनस का 35 बड़ा है ना 18 से, तो माइनस में आएगा। अब 35 में से 18 माइनस करते हैं तो कितना बचा 17 17 y, ठीक है 17 y, और इसमें से इसको मान, देखो ये संख्या बड़ी है और ये संख्या छोटी है, तो मैं 12250 और ये 11400, तो एक बार सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं फिर माइनस में लिख देंगे बस आंसर है ना। 5012 में से 4 गया तो कितने बचे 8 बचे आपका, ठीक है 12 में से 4 गया तो आपका कितना बचा 8, और यहाँ पे 11 में से 11 गया 0 तो 8850, और ये माइनस का आएगा क्योंकि माइनस का है ना। अब देखो माइनस से तो माइनस कैंसिल, वाई बराबर आ गया 850 अपॉन 17 और 17 75 जगह होता है 85, तो वाई की वैल्यू कितनी आ गई आपकी बेसिकली 50 आ गई। अब y की वैल्यू 50 आ गई तो x की वैल्यू आसान है निकालना, इसमें पुट कर देते हैं हम है ना, तो मैं ये मिटा देता हूँ एक बार है ना, ये मैं मिटा देता हूँ, आप नोट डाउन कर लीजिएगा ना। तो मैं इस वाली इक्वेशन से ले लेता हूँ मदद, तो 7x प्लस 6 और y की वैल्यू यहाँ पे मैंने पुट कर दी 50 और यहाँ पे 3800, तो ये 7x और इक्वल्स टू 3800, और ये देखो इनटू करेंगे ना प्लस में उधर जाएगा तो माइनस में जाएगा, तो ये 6 5 30, ठीक है, और ये 0 0, ठीक है। अब 7x बराबर कितना आ जाएगा ये 0, ठीक है, फिर आपका 0 बचा और 8 में से 3 गया 5 और 3 का 3, ठीक है, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 7 से इसको काटेंगे ना, 7 की टेबल में 35 तो आता ही है, ठीक है 7 5 जो कितना होता है 35, तो 5 और अब
ठीक है, और यहाँ पे 0 0, तो x की वैल्यू कितनी आ गई आपकी बेसिकली दोस्तों 500, ठीक है। तो हमको क्या निकालना था इसमें, कॉस्ट ऑफ द ईच बैट एंड ईच बॉल। तो बैट का जो आया ना आपका प्राइस, देखो मैं आपको दिखा देता हूँ यहाँ पे, देखो यहाँ पर आपको बैट का ये आ गया है ना, एक्स को बैट माना था ना, और बॉल का आपका क्या आ गया 50 आ गया है ना। तो अब हम आगे करते हैं दोस्तों, है ना, ये तो हमारा हो गया, एक्स की वैल्यू कितनी है 500 और वाई की वैल्यू कितनी आई 50। ओके अब हम आगे चलते हैं, ये वाला आपका हो गया है ना, तो आगे करते हैं। आगे वाला क्वेश्चन है देखो टैक्सी वाला, और ये काफी बार एग्जाम में पूछ लिया है, तो इसको स्टार मार्क कर लेना दोस्तों, है ना, इसको स्टार मार्क कर लेना, इसको हम करते हैं। देखो दोस्तों मैं आपको बता देता हूँ, देखो टैक्सी चार्ज में क्या होता है, कहीं बड़ी सिटी में फिक्स चार्ज तो होता ही होता है, साथ उसका देखो किलोमीटर के हिसाब से भी किराया लगता है, ठीक है। तो टैक्सी चार्ज इन अ सिटी कंसिस्ट ऑफ अ फिक्स चार्ज टुगेदर विद द चार्ज फॉर द डिस्टेंस कवर्ड, फॉर अ डिस्टेंस ऑफ 10 किलोमीटर द चार्ज पेज इज 105 रुपी, एंड फॉर अ जर्नी ऑफ 15 किलोमीटर द चार्ज पेज इज 155 किलोमीटर, सॉरी 155 रुपी। What are the fixed charges and the charge per kilometer? How much does a person have to pay for traveling a distance of 25 km? Okay, अब देखो इसको कैसे करेंगे। Suppose करो, let fixed charge, इसको क्या मान लिया आपने? देखो यहाँ पे fixed charge with the charge of distance cover, x रुपए मान लिया आपने, क्या मान लिया? x रुपए। और आपने जो ये ना charge with distance covered, ठीक है, charges with distance, उसका क्या आ गया? y मान लिया, ठीक है। अब देखो इसको हम सोल्व करते हैं, देखो सबसे पहले फॉर डिस्टेंस 10 किलोमीटर, फॉर डिस्टेंस 10 किलोमीटर के लिए क्या बनेगी वो हम देख लेते हैं, फॉर डिस्टेंस 10 किलोमीटर। तो देखो 10 किलोमीटर के लिए हमको इक्वेशन बनानी है, और 10 किलोमीटर का चार्ज कितना लग रहा है? 105 रुपए, ठीक है, 105 रुपए। तो मैं इसको बेसिकली कैसे लिखूंगा, इसको मैंने लिख दिया एक्स फिक्स चार्ज को, ठीक है, और ये जो आपका आ रहा है ना 10 किलोमीटर फॉर द डिस्टेंस, और यहाँ पे लिख भी रखा है फॉर अ डिस्टेंस 10 किलोमीटर, तो 10 किलोमीटर वाई के हिसाब से आएगा, 10 पर किलोमीटर के हिसाब से चार्ज लेगा, ठीक है, फॉर अ डिस्टेंस 10 किलोमीटर, ठीक है। चार्ज पेज इज 105 रुपए, कितने रुपए? 105 रुपए, ये तो इसका रुपए आ गया, ठीक है। उसके बाद फॉर डिस्टेंस 15 किलोमीटर, 15 किलोमीटर के लिए क्या लगाओगे? 15 किलोमीटर के लिए मैं एक्स लिखूंगा, ठीक है, और यहां पर क्या लिखूंगा? 15 वाई, और इक्वल्स टू क्या लिख दूंगा? 155 रुपए, ठीक है। ये दो इक्वेशन मेरे पास बन गई है ना दोस्तों, ये दोनों इक्वेशन मेरे पास बन चुके हैं, ठीक है। एक्स को मैंने फिक्स्ड कॉस्ट माना है, और ये जो आपका वाई ना वेरिएबल कॉस्ट है, डिस्टेंस के साथ रुपए लगते हैं। तो देखो एक किलो जैसे मानो डिस्टेंस है, इसमें 2 किलोमीटर चले तो, और वाई रुपए है, तो 2 × y करोगे 3 किलोमीटर चले, वाई रुपए 1 किलोमीटर का, तो 3 × y, ऐसे ऐसे अगर मान लो इसके 10 किलोमीटर चला और वाई रुपए 1 किलोमीटर का, तो 10 × y होगा, ऐसे ही 15 × y होगा, फॉर डिस्टेंस 15 किलोमीटर के लगा दिया, फॉर डिस्टेंस 10 किलोमीटर के लगा दिया। और एक्स इसमें फिक्स्ड कॉस्ट है, मतलब इसमें जो टैक्सी चार्ज है ना, कई बड़ी सिटियों में टैक्सी में फिक्स चार्ज तो रहता ही है एक्स, और जो बाकी का जो चार्ज रहता है ना वो पर डिस्टेंस के हिसाब से रहता है, पर किलोमीटर के हिसाब से, है ना दोस्तों। और टोटल रुपए जो लग रहे हैं इसका ये दे दिया इसने, और यहाँ पर भी इसने ये दे दिया। अब दो इक्वेशन बन दी है, इसको हम सोल्व कर लेते हैं, ठीक है, यहीं में सोल्व कर लेता हूँ, आप अलग से बता देना। तो एक्स से तो एक्स कैंसिल, और टेन माइनस कर रहे हैं ना, 10 में से यहाँ पे माइनस हो जाता है, प्लस का माइनस, ये प्लस का माइनस, 10 में से माइनस 15 गया तो माइनस का 5y बचा, क्योंकि माइनस 15 बढ़ा है ना, इक्वल्स टू 105 में से माइनस का 155 गया तो कितना बचा? माइनस का 50 बचा, करके देख लेना आप, ठीक है, ठीक है, ये बचा आपका। अब माइनस माइनस कैंसिल, वाई बराबर आ गया 15, 5 नीचे चल जाएगा तो 10 आ जाएगा, वाई की वैल्यू कितनी आ गई? 10 आ गई, तो यहाँ पे पुट कर दो, एक्स की वैल्यू आ जाएगी दोस्तों। तो एक्स बराबर क्या आ जाएगा बेसिकली? प्लस 10, वाई की वैल्यू 10 पुट कर दी यहाँ पे, और 105, तो एक्स की वैल्यू कितनी आ गई? 105, और ये 100 हो जाएगा, उधर जाएगा तो माइनस का 100, तो एक्स की वैल्यू कितनी आ गई? 5, एक्स की वैल्यू 5, वाई की वैल्यू 10। अब हमको निकालना क्या है? अब हमको निकालना है दोस्तों फोर, हाउ मच डज अ पर्सन, तो ये तो निकाल दिया हमने फिक्स चार्ज और चार्ज पर किलोमीटर, फिक्स चार्ज आ गया, चार्ज पर किलोमीटर आ गया ये रुपए में, ठीक है, ये रुपए का सिंबल लगा देंगे। उसके बाद 25 किलोमीटर के लिए निकालना है, 25 किलोमीटर के लिए कितनी कॉस्ट बैठेगी? तो 25 की इक्वेशन कैसे होगी? 25 एक्स लिखूंगा प्लस 25 वाई लिखूंगा, ऐसे लिखूंगा इक्वल्स टू, एक्स की वैल्यू कितनी है? 5 प्लस 25, वाई की वैल्यू कितनी है? 10, तो ये कितना आएगा आपका दोस्तों? 5 प्लस 250, तो ये कितना रुपया आ गया? 2, ये ऐड कर देंगे 255 रुपी, तो ये दोस्तों आंसर है आपका 255, इसका आंसर आ जाएगा दोस्तों, है ना, ये इसका करेक्ट आंसर है। अब ये भी हो गया दोस्तों, अब हम इसको मिटा देते हैं ना। तो अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों ये फ्रैक्शन वाला, ठीक है। तो यहां पे लिख रखा है फ्रैक्शन बिकम्स 9/11, देखो लिख रखा है फ्रैक्शन बिकम्स 9/11 इफ, सबसे पहले देखो फ्रैक्शन दे रखा है ना आपको, लेट फ्रैक्शन मान लो, फ्रैक्शन कैसे होता है वो मैं आपको दिखा देता हूं। लेट फ्रैक्शन बी, इसको मैंने फ्रैक्शन को कैसे मान लिया? एक्स अपॉन वाई, जिसमें से ये क्या होता है आपका? न्यूमरेटर, ये क्या होता है आपका? डिनोमिनेटर, अंश अपॉन हर, अंश बटा हर, ये अंश होता है ये हर होता है, ये न्यूमरेटर ये डिनोमिनेटर, ठीक है। उसके बाद क्या लिख रखा है? इफ फ्रैक्शन बिकम्स 9/11 इफ 2 इज एडेड टू बोथ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर, तो मतलब 2 ऐड करेंगे एक्स प्लस 2 न्यूमरेटर में भी और डिनोमिनेटर में, तो ये क्या हो जाता है आपका? 9/11, समझ गए। दूसरी कंडीशन दे रखी है 3 इज एडेड टू बोथ द न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर,
तो एक कंडीशन तो ये पहली वाली बन गई, दूसरे में क्या कर रहे हैं थ्री थ्री ऐड कर रहे थे, तो दोनों में ऐड ऐड लिखा था, माइनस करते तो माइनस होता फिर, ठीक है। वाई प्लस थ्री इक्वल टू ये कितना बन जाता है 5/6, ठीक है 5/6। अब यहाँ ब्रैकेट लगा लो बस, नहीं तो गलती हो जाएगी। अब इनको कर दो क्रॉस मल्टीप्लाई, क्या कर दो क्रॉस मल्टीप्लाई मतलब ऐसे, तो इसको इससे इंटू करोगे तो 11 यहाँ पे आ जाएगा एक्स प्लस टू, और यहाँ पे 9, और यहाँ पे वाई प्लस टू, इसमें क्या हो जाएगा 6 एक्स प्लस थ्री, और यहाँ पर आ जाएगा 5 वाई प्लस 3। ओके दोस्तों, अब ये 11 को अंदर मल्टीप्लाई कर दो, 11x प्लस का 22, और यहाँ पे 9y प्लस का 18, और यहाँ पे क्या हो जाएगा 6x प्लस 18, और यहाँ पे 5y प्लस का 15 हो गया। अब इसको थोड़ा सॉल्व कर लेते हैं, 11x तो ऐसा कैसे लिखा, ये 9y इधर ले आएंगे माइनस का 9y, और इक्वल्स टू 18, ये 22 उधर जाएगा, ठीक है समझ लो, 18 तो यहाँ पे रखेंगे, 22 प्लस का इधर जाएगा तो माइनस का 22। अब 22 में से 18 गया तो कितना बचा, माइनस का 4। अब ये माइनस का 22 बड़ा है ना, तो माइनस का 4 आ जाएगा, ठीक है। अब इसको भी सोल्व कर लेते दोस्तों, ये वाली जो इक्वेशन है इसको, तो ये क्या आएगा 6x तो ऐसे कैसे लिखा, 5y इधर आएगा तो माइनस का 5y, ठीक है इक्वल्स टू 15, 18 उधर जाएगा तो माइनस का 18, तो माइनस का कितना आ जाएगा 3 आ जाएगा, ठीक है ठीक है। यार तो एक इक्वेशन ये बन गई, एक इक्वेशन ये बन गई, ठीक है। इन दोनों को इसको इसके नीचे रख के सोल्व कर लेते हैं, ठीक है। तो देखो यहाँ पर सोल्व तो कर लेते हैं लेकिन एलिमिनेशन से करेंगे, तो इधर आपको, या फिर आप ऐसे करो इसको एलिमिनेशन से ना करके सब्स्टिट्यूशन से कर दो, जल्दी हो जाएगा ना। एलिमिनेशन से करना चाहो तो कर देना, लेकिन इसको पहले 6 से इंटू करना पड़ेगा पूरी को, इसको 11 से इंटू करना पड़ेगा पूरी को, ठीक है टाइम लग जाएगा। तो यहाँ पर मैं चाहे तो चलो एलिमिनेशन से कर लूँ, है ना, उससे सिंपल पड़ेगा थोड़ा, ठीक है। मैंने लिखा 11x माइनस का 9y ये इक्वल्स टू माइनस 4, और यहाँ पे लिखा मैंने 6x माइनस का 5y, और ये इक्वल्स टू में माइनस 3। इसको इंटू करेंगे 6 से, और इसको इंटू करेंगे 11 से, है ना। तो ये क्या बन जाएगा आपके पास, देखो ये 66x, ये माइनस का 9 6 का 54y, और ये माइनस का 24, ठीक है। अब ये वाली क्या बन जाएगी 66x माइनस का 55y, ठीक है 55y, और इक्वल्स टू में माइनस का 33। अब इसको सोल्व कर लेते हैं, माइनस करेंगे ये तो कैंसिल आउट हो जाएगा, ये माइनस का क्या हो जाता है प्लस, क्योंकि माइनस कर रहे हैं ना, ये माइनस का क्या हो जाएगा प्लस। अब माइनस का 54y में से प्लस का 55y गया तो कितना बचा, वाई बचा ओनली, क्योंकि 55 प्लस का है इस बार, ठीक है, और 54 से बड़ा है 55, इसलिए प्लस की संख्या मानेंगे 50, ये वाई आ जाएगा 55y में से 54y गया तो वाई तो बचेगा, ठीक है, और इक्वल लगाया। अब ये 33 में से 24 गया, और 33 प्लस का इस बार ध्यान रखने वाला, तो यहाँ पर क्या बचेगा आपका 6 और 3 9, 9 आएगा इसका, ठीक है। तो यहाँ पर क्या बचेगा 9, तो y की वैल्यू तो हमारी आ गई बेसिकली, ठीक है, y की वैल्यू दोस्तों हमारी आ गई 9। अब हम यहाँ पुट कर देंगे इधर, तो यहाँ लिखूंगा मैं 11x, थोड़ा कलर चेंज कर लेता हूँ ताकि आपको समझ में आ जाए दोस्तों, है ना। तो देखो यहाँ पर हमने क्या करेंगे, हम यहाँ पर पुट कर देंगे 11x माइनस 9 इंटू 9, और इक्वल्स टू में माइनस 4, तो ये 81 हो जाएगा 11x, और ये माइनस का 81 होगा, ठीक है, और इधर जाएगा तो प्लस का 81, तो इक्वल्स टू माइनस का 4, माइनस का 81 इधर जाएगा तो प्लस का 81, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा ये 11x इक्वल्स टू ये कितना बचेगा आपके पास 77, प्लस का बचेगा क्योंकि देखो 81 प्लस का है ना, तो x बराबर कितना आ जाएगा ये 11 इसके नीचे आ जाएगा 77 अपन 11 7 आ जाएगा, तो x की वैल्यू 7 आ गई दोस्तों, y की वैल्यू 9 आ गई। तो हमारा जो फ्रैक्शन है इसमें आंसर कैसे लिखेंगे, लास्ट में लाइक लिख देना x अपॉन y इक्वल्स टू 7/9, ये इसका आंसर है दोस्तों, है ना, ये इसका आंसर है। अब हम नेक्स्ट करते हैं, ये तो आपका हो गया। अब देखो लास्ट क्वेश्चन बच रहा है 5 ईयर जैकोब वाला, है ना, जैकोबर्सकेसन वाला, ठीक है, तो ये भी कर लेते हैं। तो देखो ये वाला क्वेश्चन है दोस्तों हमारे पास, तो ये क्वेश्चन कर लेते हैं। देखो ये क्वेश्चन है आपके पास 5 ईयर हैंस, हैंस जब भी वर्ड आए प्लस करना है, ठीक है, बस इतना ध्यान रखो। अच्छा अगो जब भी आए माइनस करना है, ओके। तो हम बना लेते हैं एक बार जैकोब इधर, और एक उसका बेटा है जैकोब, है उसका सन। जैकोब का लेट करा एक्स ईयर है, और उसका बेटा वाई ईयर, वाई ईयर का होगा ये एक्स ईयर मान लिया, ठीक है। अब 5 ईयर हैंस, यहाँ लिख दिया 5 ईयर हैंस, तो 5 साल बाद ये एक्स प्लस 5 हो जाएगा, ये वाई प्लस 5 हो जाएगा, ठीक है। लेकिन लिख रहा था द एज ऑफ जैकोब विल बी 3 times दैट ऑफ हिज सन, इसके बेटे का 3 times हो जाता है, ऐसे लिखूंगा। फिर उसके बाद ये तो हमारी बन गई, ये दूसरी बार क्या बनेगी 5, यहाँ लिख रखा है 5 ईयर अगो, ये भी 5 ईयर अगो दे रखा है, 5 ईयर अगो है इस बार, तो ये क्या हो जाएगा एक्स माइनस 5, ये क्या हो जाएगा वाई माइनस 5, और यहाँ पर ये कितना हो जाता है जैकोब्स एज, मतलब ये जैकोब्स एज वो 7 times दैट ऑफ सन, ये 7 times हो जाता है, एक ये बन जाएगी। अब इसको हम इक्वेशन में कन्वर्ट कर लेते हैं, तो x प्लस 5 इक्वल टू क्या आ जाएगा, इन टू कर लो इधर 3y प्लस का 5 3 15। अब इसको थोड़ा सोल्व कर लेते हैं दोस्तों हम, है ना। तो x ये 3y इधर लिया माइनस का 3y इक्वल्स टू यहाँ पे 15 है, ए प्लस का 5 है, इधर जाएगा तो माइनस का 5, 15 में से माइनस का 5 गया तो 10, एक इक्वेशन ये बन गई इसकी। इसको भी सोल्व कर लेते हैं, एक्स माइनस 5 इक्वल्स टू ये अंदर इंटू कर दो 7y, और माइनस का 7y तो 35, तो एक्स माइनस ये 7y को दे लिया माइनस का 7y और इक्वल्स टू माइनस 35 है, माइनस का 5 है, इधर जाएगा तो प्लस का, देखो देखो ऐसे
ये माइनस का 5 इधर जाएगा तो प्लस का 5, ठीक है, तो ये बन जाएगी एक्स माइनस 7y, और यहाँ पे माइनस का 35 बड़ा है ना और प्लस का 5 छोटा है, तो और माइनस होगा ध्यान रखना क्योंकि दोनों अपोजिट साइन के हैं, तो माइनस 30 आ जाएगी, ठीक है। एक इक्वेशन ये बन गई, अब इन दोनों को हम सोल्व कर लेते हैं दोस्तों, तो यहाँ मैं लिख देता हूँ, तो दो इक्वेशन बनी इनको हम सोल्व कर लेते हैं, एक तो बनी एक्स माइनस 3y इक्वल्स टू 10, दूसरी बनी आपकी एक्स माइनस 7y इक्वल्स टू माइनस 30। अब देखो ये तो कट जाएगा, अब माइनस कर रहे हैं, ये माइनस का प्लस हो जाएगा, ये माइनस का प्लस हो जाएगा, माइनस का 3 में से प्लस का 7 गया तो प्लस का 7 बड़ा है और माइनस का 3 छोटा है, तो 4y बचेगा, 7 में से 3 गया तो 4 ही तो बचा, प्लस का बचेगा क्यों, प्लस का 7 बड़ा है इक्वल्स टू, अब 10 में से प्लस का 30, देखो 10 तो प्लस का ही है और ये प्लस का 30 है, दोनों प्लस हो जाएंगे इस बार, क्या हो जाएंगे, दोनों प्लस हो जाएंगे, ठीक है। देखो अब ये दोनों प्लस हो जाएंगे तो प्लस कर देते हैं दोस्तों, क्योंकि प्लस का है ना, अगर नेगेटिव होता तो माइनस हो जाता, जैसे इसमें लिख रहा है माइनस का 3y और प्लस का 7y, तो ये माइनस हो गया, लेकिन यहाँ तो प्लस का 10 है और ये भी प्लस का 30 है, तो दोनों प्लस हो जाएंगे, कंफ्यूज मत होना, ठीक है। तो 40 हो जाएगा, वाई की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 40, ये 4 नीचे चल जाएगा तो कितनी आ जाएगी 10, तो वाई की वैल्यू तो क्या हो गई 10, और एक्स की वैल्यू क्या आएगी, इसमें पुट कर देते हैं, इस वाली इक्वेशन में पुट कर देते हैं, तो एक्स माइनस 3y, वाई की वैल्यू 10 इक्वल्स टू 10, और x बराबर कितना आ जाएगा 10, ये माइनस का 30 उधर जाएगा तो प्लस का 30, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 40, ठीक है। तो जो x है ना जैको, वो तो आएगा 40 ईयर का, लास्ट में लिख देना आंसर, और y जो इसका बेटा आएगा ना वो आएगा 10 साल का, कितना आएगा 10 साल का, ठीक है, ये इसका आंसर दोस्तों, ठीक है, ये 10 वो आएगा इसका बेटा और जैको 40 साल का आएगा, है ना, ठीक है। ये हो गए दोस्तों हमारे वर्ड प्रॉब्लम के क्वेश्चन, अब हम थोड़े से इसके इस यूनिट के जो जो एग्जांपल्स है ना उदाहरण इसके वो भी देख लेते हैं ना, वो भी इंपॉर्टेंट है ना, लेकिन इससे पहले 3.3 भी कर लेते हैं, ठीक है। 3.3 में वर्ड प्रॉब्लम्स है आपके, ठीक है, ये तो अभी हमने 3.2 के करे थे ना, 3.3 के करते हैं, तो आप 3.3 करते हैं, देखो इसमें क्या क्या लिख रखा है, फ्रॉम द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन द फॉलोइंग प्रॉब्लम फाइंड दिस सॉल्यूशन बाय द एलिमिनेशन मेथड, यहाँ पे साफ साफ लिख रहा है दोस्तों, एलिमिनेशन मेथड से करना है इसको सॉल्व, जो अभी अभी हम कर रहे थे ना यहाँ पर एलिमिनेशन से, उसी मेथड से करना है, ठीक है। तो यहाँ पे देख लेते हैं क्वेश्चन, सबसे पहला है आपका, देखो कर लेते हैं आप क्वेश्चन, 5 ईयर जगह ये रुको एक मिनट, सब्स्टिट्यूशन ये वाला 3.3 है ना, यहाँ से करते हैं, देखो यहाँ पर आपको देखो क्वेश्चन वैसे ही है लेकिन बस यहाँ पर थोड़ा सा एलिमिनेशन से करना और कुछ नहीं है। तो पहला पार्ट है इसका, इफ वी देखो सबसे पहले लेट फ्रैक्शन मान लेते हैं, फ्रैक्शन से रिलेटेड है ना, लेट फ्रैक्शन, इसको फ्रैक्शन को मैंने मान लिया एक्स अपॉन वाई, ठीक है। अब पहली कंडीशन है इफ वी एड 1 टू द न्यूमरेटर, देखो न्यूमरेटर ऊपर वाला होता है, ऐड करेंगे 1, न्यूमरेटर में ऐड करा क्योंकि बोला है उसने, ठीक है, एंड सब्ट्रैक्ट 1 फ्रॉम डिनोमिनेटर, डिनोमिनेटर में से सब्ट्रैक्ट करती है 1, ठीक है। अब फ्रैक्शन रिड्यूस टू 1, तो फ्रैक्शन कितना हो जाता है 1, एक तो ये कंडीशन है। दूसरी कंडीशन क्या है, इट बिकम्स 1/2 इफ वी ओनली एड 1 टू द डिनोमिनेटर, मतलब एक्स तो ऐसे कैसे रहेगा, न्यूमरेटर में तो कुछ नहीं करते लेकिन डिनोमिनेटर में 1 ऐड करेंगे, बोला है उसने, और किसके बराबर हो जाता है 1/2 के बराबर, बस ये दो कंडीशन है। अब इसको सोल्व कर लेते हैं दोस्तों ना, ये ब्रैकेट लगा लो है ना, तो ये हो जाएगा x प्लस 1 इक्वल्स टू, ये 1 से इंटू होगा तो y माइनस 1 ही हो जाएगा। अब यहां पर क्या हो जाएगा, x y को उधर लिया माइनस का y, ठीक है, इक्वल्स टू ये प्लस का 1 है या माइनस 1 बचा, ये प्लस का 1 इधर जाएगा तो माइनस 1, तो ये इक्वेशन बन गई x माइनस y इक्वल्स टू माइनस 2, माइनस 1 माइनस 1 कितना था माइनस 2, इंटू में थोड़ी है जो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, माइनस माइनस ये एडिशन में ही होंगे माइनस, ठीक है, तो माइनस 2। अब इसकी बना लेते हैं, ये इधर इंटू हो जाएगा, ये इधर इंटू हो जाएगा, तो 2x इक्वल्स टू y प्लस 1, ठीक है। तो यहाँ पे क्या जाएगा 2x, ये y को उधर लिया माइनस का y और इक्वल्स टू 1, एक ही इक्वेशन बन जाएगी। अब दो इक्वेशन है, सोल्व कर लेते हैं, पहली लिख ली हमने x माइनस y इक्वल्स टू माइनस 2 और दूसरी इक्वेशन लिख ली 2x माइनस y और इक्वल्स टू 1, ओके, ये हमने कर लिया। अब हम क्या करते हैं इसमें, अब हम इसमें माइनस कर लो, ठीक है, माइनस कर लेते हैं हम इसमें, देखो माइनस करते हैं, माइनस करेंगे तो ये वाला साइन बदल जाएगा, प्लस है तो ये माइनस हो जाएगा, ये माइनस है प्लस हो जाएगा, ये प्लस है तो माइनस हो जाएगा। तो देखो ये x में से माइनस का 2x गया, x में से माइनस 2x गया तो माइनस का x बचेगा क्योंकि माइनस का 2 बड़ा है ना, देखो ऐसे कर रहे हैं, x में से 2x, ये प्लस का ये माइनस का 2x है, तो जैसे सपोज करो 1 में से माइनस 2 गया तो माइनस का 1 ही तो बचेगा, समझ रहे हो, यही चीज है। तो माइनस x x है तो x लगा दिया, ठीक है। अब देखो माइनस का y प्लस का y कट जाएंगे दोनों आपस में, इक्वल लगाते हैं, माइनस 2 और माइनस 1, ये साइन इधर वाला नहीं लेंगे, नीचे जो आप बदल गए ना वो वाला लेना है, माइनस 2 और माइनस 1 कितना होता है माइनस 3, तो माइनस से माइनस कैंसिल वाला, x बराबर 3 आ गया, x की वैल्यू 3 आ गई, यही एलिमिनेशन होता है, ठीक है, जो मैं कर रहा हूँ अभी, x की वैल्यू 3 आ गई, यहाँ पुट कर दो, तो चाहे यहाँ पुट कर दो, यहीं पे पुट कर देते, चलो 2 यहाँ पे वैल्यू पुट कर दी x की, 3 माइनस y इक्वल्स टू 1, 3 टू 6 माइनस y इक्वल्स टू 1, माइनस y इक्वल्स टू 1, ये 6 प्लस का इधर जाएगा तो माइनस का 6 हो जाएगा ऐसे, तो ये क्या बचा आपका पास, माइनस का y इक्वल्स टू माइनस का 5, माइनस माइनस कैंसिल, y की वैल्यू कितनी आ जाएगी 5, तो बेसिकली x की वैल्यू 3 आ रही है और y की वैल्यू 5 आ रही है, तो हमारा जो फ्रैक्शन होगा ना उसका आंसर आप ऐसे लिखेंगे, x की वैल्यू 3, y की वैल्यू 5, तो 3 अपॉन 5 इसका आंसर है दोस्तों, है ना, क्या आंसर है इसका, 3 अपॉन 5, ठीक है। अब आगे करते हैं इसका, देखो आगे ये 5 ही रहेगा, ये आप नोट डाउन कर लेना, इसको मैं मिटा देता हूँ दोस्तों, है ना, तो इसको मैं मिटा देता हूँ, 3 अपॉन 5 इसका आंसर है, ठीक है। अब हम आगे वाला करते हैं, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, तो नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों हमारा इसमें, देखो इसको मैं थोड़ा ऊपर कर लेता हूँ ताकि अपना सही हो जाए, थोड़ा
ठीक है चलो भाई 5 ईयर अगो, ये तो शायद आप कर सकते हो दोस्तों, चलो फिर भी मैं कर देता हूँ। ठीक है देखो, 5 ईयर अगो, 5 ईयर अगो, ठीक है, और यहाँ पे लिख भी रखा है 5 ईयर अगो, नूरी और उसका, नूरी वॉज थ्राइस एज ओल्ड एज सोनू। देखो एक तो नूरी है और एक सोनू है, तो मैंने लैट कर लिया, यहाँ पर लैट लिख देना आप ऊपर, ये मैंने एक्स ईयर मान लिया, ये वाई ईयर मान लिया, 5 ईयर अगो मतलब ये एक्स माइनस फाइव हो जाएगा और ये वाई माइनस फाइव हो गया। ठीक है अब लिख रखा है 5 ईयर अगो नूरी वॉज थ्राइस मतलब थ्राइस एज ओल्ड सोनू, ऐसा हो जाएगा ये। 10 ईयर लेटर, 10 ईयर लेटर, लेटर मतलब प्लस करेंगे तो ये एक्स प्लस 10 और ये वाई प्लस 10, और वो कितना टाइम्स हो जाता है, 10 ईयर नूरी विल बी ट्वाइस हो जाती है भाई। ठीक है अभी ये, अभी इसकी इक्वेशन बनेगी एक्स माइनस फाइव इक्वल टू, इसको इंटू कर लेना 3y माइनस का 5 3 15, इसकी इक्वेशन बना लेना आप, एक इसकी इक्वेशन बना लेना एक्स प्लस 10 इक्वल टू 2y प्लस का 20, एक इसकी इक्वेशन बना लेना, दो इक्वेशन बनेगी, सोल्व कर लेना आप कर सकते हो, आई थिंक मैं समझता हूँ ये तो कर सकते हो, नहीं होगा तो कमेंट कर देना, लेकिन आप कर सकते हो ये वाला था ना। तो अब हम नेक्स्ट करते हैं दोस्तों, इसके बाद देखो थर्ड वाला, इसमें काफी बच्चे अटकते हैं, तो ये बड़ा सिंपल है क्वेश्चन लेकिन ट्रिकी है, तो वो समझ लीजिए आप, है ना। देखो जैसे सपोज करो आप, जैसे मान लेते हैं हम ये 999, इसको मैं कैसे लिख सकता हूँ, 900 प्लस 90 और प्लस 9 एक्सपेंडेड फॉर्म में। ठीक है जैसे मैंने लिखा एक्स वाई, तो इसको कैसे लिख सकता हूँ, ये तो होती वंस, वंस लिख दिया, ये होती है आपकी टेंस, तो 10x ऐसे ही तो लिखा मैंने इसको, ये वंस हो गया आपका। ठीक है अगर मैं इसकी बात कर रहा हूँ तो, ठीक है इसकी वंस, फिर ये टेंस होता है आपका ये वाला नंबर, फिर ये 100 से मल्टीप्लाई हो जाता है ये ना, ऐसे मैंने इसको लिखा वंस, पीछे से लिख दो चाहे ऐसे, और 10 बात तो यही है इसको, ये एक ही तो है। ठीक है समझ गए, अगर मैंने एक्स वाई लिखा तो ऐसे लिखूंगा, अगर मैंने वाई एक्स लिखा तो वंस ये होता है, तो वंस लिखूंगा पहले एक्स और टेंस लिखूंगा इसको टेन वाई, अगर ये ऐसा होता है एक्स वाई जेड तो इसको कैसे लिखता, वंस प्लस टेंस प्लस 100 जेड। ठीक है ये कॉन्सेप्ट आपको आना चाहिए इस क्वेश्चन के लिए। अब देखो मैं क्या करता हूँ, देखो इधर क्वेश्चन में बोल रखा है द सम ऑफ द डिजिट्स ऑफ अ टू डिजिट नंबर इज 9, सम ऑफ द डिजिट्स ऑफ द टू डिजिट नंबर इज 9। ठीक है देखो मैंने नंबर माना, लेट सबसे पहले लेट द नंबर बी एक्स वाई, एक्स वाई क्यों माना, लिख रहा है टू डिजिट नंबर माना, ये डिजिट्स होती हैं और ये पूरा क्या है नंबर, ये पूरा नंबर है, दोबारा बता रहा हूँ, ये पूरा का पूरा एक नंबर है जिसमें दो डिजिट्स हैं, एक्स और वाई डिजिट्स हैं। अब उसने बोला था सम ऑफ द डिजिट्स ऑफ अ टू डिजिट नंबर मतलब एक्स प्लस वाई, इसकी वैल्यू दे रखी है उसने 10, साफ साफ क्वेश्चन में बोल रखा है सम ऑफ द डिजिट्स ऑफ अ टू डिजिट नंबर इज 9 है, सॉरी यहाँ पर ये 9 दे रखा है। ठीक है 9, ऑल्सो 9 टाइम्स दिस नंबर इज ट्वाइस द नंबर ऑब्टेन बाय रिवर्सिंग द ऑर्डर ऑफ द डिजिट्स। देखो यहाँ पे साफ साफ लिख रहा है रिवर्सिंग, इस नंबर को अगर मैं रिवर्स कर दूँ, रिवर्सिंग नंबर क्या हो जाएगा अगर मैंने इसको रिवर्स कर दिया, तो देखो रिवर्स करने पर रिवर्सिंग नंबर क्या हो जाएगा, रिवर्सिंग नंबर हो जाएगा आपका वाई और एक्स, डिजिट्स को एक्सचेंज कर दिया यहां पर, ठीक है वाई एक्स। ठीक है अब यहां लिख रखा है 9 टाइम्स, जैसे जैसे लिख रखा है वैसे वैसे हम कर देंगे, 9 सबसे पहले लिखा 9 टाइम्स मतलब इनटू दिस नंबर, दिस नंबर मतलब एक्स वाई, ठीक है इच, इच का मतलब इक्वल, ओके ट्वाइस, ट्वाइस का मतलब टू, ठीक है द नंबर ट्वाइस कर दिया ना ट्वाइस, तो इनटू लगा दो, ठीक है ट्वाइस है ना, तो इसलिए, और द नंबर नंबर ऑब्टेन बाय रिवर्सिंग द ऑर्डर मतलब रिवर्स वाला नंबर लिखना है यहां पर वाई एक्स, ये मैंने लिख दिया। ठीक है अब एक चीज ध्यान रखना आप, वो मैं आपको बता देता हूँ, 9 लिखा, ठीक है अब इस नंबर को मैं कैसे लिख सकता हूँ, अभी अभी बताया आपको, देखो ये वाई को तो वंस लिखते हैं और एक्स टेंस पे, वंस टेंस 100 ऐसे चलते हैं ना 10x, ठीक है और इस नंबर को मैं क्या लिख दूंगा, एक्स वंस बना यहाँ पर और ये टेन वाई क्या बना अपना टेंस बना, ये वंस ये टेंस, तो मैं इसको कैसे लिख दूंगा 10x प्लस का वाई, और यहाँ पे यही ट्विस्ट है इस क्वेश्चन में ना, और यहाँ पे लिख दूंगा मैं क्या लिख दूंगा, यहाँ पे लिख दूंगा टेन वाई और प्लस एक्स, और यही डिकोड करा जो अभी अभी बोला, देखो 9 टाइम्स दिस नंबर, 9 टाइम्स दिस नंबर, ये नंबर हो गया इज मतलब बराबर ट्वाइस ट्वाइस द नंबर ऑब्टेन बाय रिवर्सिंग द ऑर्डर, नंबर ऑब्टेन बाय रिवर्सिंग, ये रिवर्स कर दी। ठीक है अब इनको इंटू कर लो अंदर, तो ये आ जाएगा 90x प्लस का 9y इक्वल्स टू अंदर कर लो 20y, ठीक है और प्लस का 2x, इसको थोड़ा सॉल्व कर लेते हैं 90x, ठीक है एक मिनट रुकिए इसको थोड़ा सॉल्व कर लेते हैं अच्छे से, तो देखिए ये 90x है और ये 2x है, इधर आ जाएगा तो 90 में से 2x गया तो कितना बचा 88x, ठीक है और यहाँ पर प्लस, चाहे तो प्लस मत लगाओ अभी, देखो बताता हूँ क्यों, मैं डायरेक्ट कर देता हूँ ना, अब तो आपकी प्रैक्टिस हो गई, ये 9y है, ये 20y, इधर आ जाएगा तो माइनस का 20y, अब माइनस का 20 बड़ा है ना और 9y प्लस का छोटा है, तो 20y में से 9y गया तो माइनस का कितना बचा 11y, और यहाँ पे सारी संख्या को मैं इधर ले आया तो इक्वल टू क्या बचेगा 0। ठीक है एक इक्वेशन ये बन गई आपकी और एक इक्वेशन ये है आपकी, और इसको किससे करना है आपको एलिमिनेशन से, तो एलिमिनेशन से करेंगे, उसके लिए आपको इन दोनों इक्वेशन को एक साथ लिख लेना है। ठीक है तो इन दोनों इक्वेशन को हम एक साथ लिख लेते हैं। ठीक है तो मैंने यहाँ लिखा x प्लस वाई इक्वल्स टू 9 और यहाँ पे लिखा आपने 88x माइनस का
इलेवन वाई इक्वल्स टू जीरो। अब देखो दोनों संख्या में अलग अलग डिजिट्स है तो इसको इंटू करना पड़ेगा, नंबर अलग अलग है ना इनमें, तो इसको आप 80 चाहे तो 11 से इंटू कर दो चाहे आप 88 से इंटू कर दो। ठीक है तो मैं 88 से इंटू कर देता हूँ, ठीक है 88 से इंटू कर देता हूँ इस वाली इक्वेशन को, ऊपर वाली को, तो ऊपर वाली क्या बन जाएगी 88x प्लस का यहाँ पे बन जाएगा आपका 88y और इक्वल्स टू 98 से 72, 27 कैरी गया 98 से 72, 72 और 7 कितना होता है 79, ये बन गया। और यहाँ पे लिख दूंगा 88। देखो मैं इस मेथड से इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि एलिमिनेशन से बोल दिया ऊपर, ठीक है, और माइनस का यहाँ पर 11y और यहाँ पर इक्वल्स टू जीरो। अब इनको सोल्व कर लेते हैं, तो माइनस कर लेते हैं बेसिकली, तो माइनस करते हैं तो क्या क्या होता है वो मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ माइनस होता है प्लस का क्या होता है माइनस, ये माइनस का क्या होता है प्लस, ठीक है यहाँ पर कुछ है ही नहीं, तो 88 प्लस का है माइनस का 88 कट जाएंगे, ठीक है, और 88y में से प्लस का 11y ये दोनों प्लस हो जाएंगे तो कितना हो जाएगा 9 और ये 9y, ठीक है, और इक्वल टू में कितना है 792। ठीक है अब इसको हम थोड़ा सोल्व कर लेते हैं दोस्तों, है ना, इसको हम सोल्व कर लेते हैं, तो इसको सोल्व कर लेते हैं। देखो वाई बराबर आ जाएगा आपका 792 अपॉन कितना है 99। अब वाई की वैल्यू कितनी आ जाएगी तो 99 एट जा करो या फिर देखो एन डिजिट को किसी से इंटू करो, एन डिजिट मतलब 1 2 3 4 इनसे इंटू करोगे, एन डिजिट 2 आना चाहिए, तो आप अंदाजा लगा लो किससे होगा, तो 99 में 8 जा कर दो, 99 एट जा करके देख लो आप क्या ये हो, और 99 एट जा क्यों कर रहा हूँ मैं वो भी देखो, 98 जो 72 होता है एन डिजिट 2 आ रही है और जो कि इसमें आ रही है, ठीक है तो 99 इंटू 8 कर लो, 98 जो 72 27 कह रही गया 98 जो 72 72 और 7 कितना होता है 79, तो ये कितनी बार 8 टाइम कट जाएगा, तो वाई की वैल्यू तो 8 आ गई, ठीक है दोस्तों y की वैल्यू 8 आई, तो x की वैल्यू निकाल लो, तो x की वैल्यू क्या यहाँ पे रख दो बस, तो यहाँ पे रख दूंगा मैं, देखो x बराबर 9, ये y की वैल्यू 8 है ना प्लस का, इधर जाएगा तो माइनस का 8, तो x की वैल्यू कितनी आ गई 1, x की वैल्यू 1 आ गई। तो नंबर जो हमारा है ना एक्स वाई वो नंबर हम एंड में लिख देंगे, नंबर जो नंबर है एक्स वाई वो क्या है आपका एक्स की जगह तो 1 और वाई की जगह 8, नंबर क्या है 18 है आपका दोस्तों, कितना है 18 है, तो ये इसका आंसर है दोस्तों, है ना, सिंपल था। ठीक है अब हम आगे कर देते हैं ना, तो इसको मैं मिटा देता हूँ, तो अब हम करते हैं ये वाला, मीना वैन टू अ बैंक टू विदड्रॉ 2000 रुपी, शी आस्ड द कैशियर टू गिव हर 50 and 100 रुपी नोट ओनली, मीना गोट 25 नोट्स इन ऑल, फाइंड हाउ मेनी नोट्स ऑफ 50 रुपी एंड 100 रुपी शी रिसीव्ड। ठीक है यहाँ पर आपको नंबर्स नहीं दे रखे कितने नंबर्स, तो मैं सबसे पहले लेट कर लेता हूँ, लेट अ नंबर ऑफ 50 रुपी नोट्स, नंबर ऑफ 50 रुपी नोट्स ये मैंने मान लिया x, x नंबर होंगे, और नंबर ऑफ 100 रुपी नोट्स ये मैंने मान लिया y होंगे नंबर में, है ना, y नंबर में होंगे। ठीक है अब ये बताओ आप, अगर 50 रुपये का एक नोट हुआ और 50 रुपये के दो नोट हुए तो 50 इंटू 2 करूँगा तो 100 रुपये होंगे, 50 रुपये का अगर 3 नोट्स हुए तो 50 इंटू 3 150 हुआ, 50 रुपये का नोट अगर x हुए तो मैं 50x करूँगा, तो मैं क्या करूँगा एक इक्वेशन बनाऊंगा 50x प्लस 100y, ऐसे बनाऊंगा 50 इंटू एक्स करेंगे तो 50 रुपए के सारे नोट्स की वैल्यू आ जाएगी, 100 इंटू वाई करूंगा तो 100 वाई की सारी वैल्यू आ जाएगी, और दोनों का जो सम दे रखा है ना टोटल 2000 रुपए ये मैं लिख दूंगा। ठीक है ये मैं लिख दूंगा, देखो मीना वेंट टू बार के विदड्रॉ 2000, शी आस्क्ड द कैशियर टू गिव हर 50 and 100 रुपी नोट ओनली, मीना गॉट 25 नोट्स इन ऑल। ठीक है ये मैंने कर लिया, समझ में आया ना, 50 रुपए का एक नोट है 50 इंटू 1 मतलब वैल्यू कितनी होगी 50, 50 के अगर दो नोट है तो इंटू करूंगा 100 रुपया देंगे, 50 के अगर तीन नोट है तो 3 से इंटू करूंगा, और 50 के अगर एक्स नोट है तो 50 इंटू एक्स करूंगा 50x, ऐसे 100 रुपये का एक नोट है तो 100 इंटू 100, 100 रुपये का अगर दो नोट है तो 100 इंटू 2 200, 100 रुपये का अगर वाई नोट है तो 100 इंटू वाई करूंगा। ठीक है अब इन दोनों को प्लस कर देंगे तो टोटल वैल्यू सम आ जाएगा ना इसका, टोटल इन दोनों की वैल्यू का सम है ना 2000 रुपये, इतनी रुपये तो निकलवाए उसने। अब देखो आगे ये दे रखा है आपको, उसने जो नोट्स निकलवाए ना टोटल 25 नोट्स थे जो 2000 रुपए थे ना उसके अंदर कितने नोट्स थे 25 नोट्स थे, 25 नोट्स थे। ठीक है तो कितने देखो 50 रुपए के नोट्स की संख्या कितनी x, 100 रुपए के नोट्स की संख्या कितनी है y, इन दोनों का नोट्स की संख्याओं को टोटल कितना दे रखा है आपको 25, यही दे रखा है ना, दो इक्वेशन बन गई, अब सोल्व कर लेते हैं हम इसको। ठीक है तो अब हम सोल्व करते हैं दोस्तों, तो मैं क्या करता हूँ इस पूरी इक्वेशन को 50 से इंटू कर लेता हूँ क्योंकि ये इसके बराबर बनाने ना, या 100 से इंटू कर लो या 50 से इंटू कर लो, मैं 50 से कर लेता हूँ, तो हमारी इक्वेशन पहले तो ये लिख देता हूँ मैं ऐसे कैसा 50x प्लस का 100y और इक्वल्स टू 2000, ये मैंने लिख दिया। अब इसको अंदर इंटू करेंगे 50x प्लस का 50y और इक्वल्स टू, इसको इससे करेंगे तो 125 1250, ठीक है 1250 आ जाएगा। ठीक है इतना आ गया, अब इसको हम एलिमिनेशन से कर लेते हैं क्योंकि एलिमिनेशन ही बोल रहा है हमको इस क्वेश्चन में। ठीक है माइनस करेंगे तो माइनस करेंगे तो क्या हो जाएगा हमारे पास, ये कट जाएगा, देखो प्लस ये माइनस हो जाएगा, ये प्लस ये माइनस हो जाएगा, ये प्लस ये माइनस हो जाएगा, ये तो कट जाएगा प्लस माइनस। ठीक है ये प्लस और ये माइनस 50, तो कितना बचेगा 50y इक्वल्स टू 2000 में से 1250 गया तो कितना बचेगा 750 बचेगा। ठीक है ये प्लस माइनस कर दिया 750 बचेगा, फिर उसके बाद वाई बराबर कितना आ जाएगा आपका 750 अपॉन 50, जीरो से जीरो कैंसिल, 5 से इसको काट दो, 5 बन जा 5 और 5 5 जो 25, वाई की वैल्यू तो आ गई आपकी 50, इसमें पुट कर दो आप
एक्स प्लस वाई बराबर फाइव थी ना इक्वेशन, एक्स प्लस वाई की वैल्यू 15 है और ये 25, एक्स की वैल्यू कितनी आ गई 15 को उतर लेते हो, 25 में से 15 गया तो कितना बचा 10, ठीक है। तो देखो 50 रुपए के जो नोट्स की संख्या है ना वो तो कितनी हुई, आप लैंग्वेज में लिख देना थोड़ा ना, 50 रुपए के नोट्स की संख्या कितनी हुई 10, और आपके 100 रुपीज की नोट्स की संख्या जो हुई ना वो कितनी है, वाई माना था ना आपने, तो वाई की वैल्यू 15, ये 15 नोट्स हैं और ये 10 नोट्स हैं, तो ये भी हो गया हमारे दोस्तों, है ना, सिंपल सा था, है ना, तो ये भी हो गया दोस्तों हमारा, है ना। अब हम आगे करते हैं, ठीक है, तो आगे चलते हैं, इसको मैं मिटा देता हूं। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, लैंडिंग लाइब्रेरी हैज अ फिक्स्ड चार्ज फॉर द फर्स्ट 3 डेज एंड एडिशनल चार्जेस फॉर ईच डे देयर आफ्टर। अच्छा सरिता, हाँ सरिता पेड 27 फॉर अ बुक कैप फॉर 7 डेज, वाई शशि पेड 21 फॉर बुक शी कैप फॉर 5 डेज, फाइंड द फिक्स्ड चार्ज एंड द चार्ज फॉर ईच एक्स्ट्रा डेज। तो यहां पे सबसे पहले हम क्या मानते हैं, लैप फिक्स्ड चार्ज जो है ना उसको मान लेते हैं, जो पूछा होता है उसको मानना तो पड़ेगा ना, एक्स मान लेते हैं, और जो एक्स्ट्रा डेज का जो चार्ज है ना, चार्ज फॉर एक्स्ट्रा डेज, ये लिख लेते हैं चार्ज फॉर एक्स्ट्रा डे, वो हमारे पास क्या है वाई, ये मैंने मान लिया। अब देखो कंडीशन, पहली कंडीशन क्या दे रखी है आपको, पहली कंडीशन दे रखी है फर्स्ट 3 डेज एन एडिशनल चार्ज फॉर ईच डे आफ्टर, ठीक है, सरिता पेड 27 फॉर अ बुक कैप फॉर 7 डेज। सरिता ने कितने दिन के लिए, देखो एक तो सरिता है यहाँ पर, कौन है आपकी सरिता, और सेकंड केस में आपने क्या लिया, सेकंड केस में आपके पास शशि है, ठीक है। तो देखो सरिता ने कितने दिन के लिए लिया, 7 डेज के लिए, 7 डेज, ठीक है, और शशि ने कितने दिन के लिए लिया आपके 5 डेज के लिए, 5 डेज। अब ये इस क्वेश्चन में एक चीज ध्यान रखना आप, देखो फर्स्ट 3 डेज का जो चार्ज है ना वो तो फिक्स्ड चार्ज होगा, फर्स्ट 3 डेज का चार्ज वो आपका एक्स होगा, तो मैंने एक्स लिख दिया। अब कितना बचा, 3 डेज का तो हो गया फिक्स्ड चार्ज एक्स, तो 3 डेज देखो लिख भी रखा है यहां पर, देखो है ना, यहाँ पे मैं आपको दिखा देता हूँ, यहाँ पे लिख भी रखा है, देखो यहाँ पर है ना फर्स्ट 3 डेज, तो फर्स्ट 3 डे एक्स हो गया, फिक्स चार्ज हो गया वो तो, है ना, ठीक है। और चार्ज फॉर एक्स डे, अब देखो 7 में से 3 सब्ट्रैक्ट करेंगे 4 आएगा, और 4 को वाई से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, क्योंकि एक दिन का हुआ वाई रुपए, दो दिन का हुआ 2 इंटू वाई, 3 दिन का हुआ 3 इंटू वाई, 4 दिन का हुआ 4 इंटू वाई, और टोटल इनको कितने रुपए उसको पेड करने पड़ रहे हैं लाइब्रेरी वालों को, 27। तो ये आ गया आपका, दूसरी इक्वेशन क्या बनेगी, एक्स, पहले तो एक्स मान ली, 5 डेज में से 3 डेज को सब्ट्रैक्ट कर देंगे क्योंकि एक्स 3 दिन का है ना, ठीक है, 5 में से 3 सब्ट्रैक्ट करा तो कितना है 2, और 2 चार्ज फॉर एक्स्ट्रा डेज का वाई रुपए, 2 इंटू वाई हो जाएगा, और उसको कितने रुपए लग रहे हैं 21, ठीक है, दो इक्वेशन बन गई हमारी, और ये लिख भी लगा देखो 5 डेज और यहाँ पर इसका 7 डेज, ठीक है। अब हम इन दोनों इक्वेशन को सोल्व कर लेते हैं, एक्स प्लस का 4y इक्वल्स टू 27 और यहाँ पर लिख रहा है एक्स प्लस 2y इक्वल्स टू 21। अब एलिमिनेशन लगा देते हैं, एलिमिनेशन लगाएंगे माइनस करेंगे तो प्लस का क्या हो जाएगा माइनस, प्लस का क्या हो जाएगा माइनस, प्लस का क्या हो जाएगा माइनस, क्योंकि प्लस है ना, अगर माइनस होता है यहाँ पे तो प्लस हो जाता है, ठीक है। अब एक्स में से माइनस एक्स गया तो कैंसिल, ठीक है, 4 में से माइनस का 2y गया तो 2y बचेगा ना, प्लस का 4y बड़ा है इसलिए, और माइनस 2y छोटा है तो प्लस का ही आएगा, और 27 में से माइनस का 21 गया तो कितना बचा 6, तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी अपनी 6, और नीचे 2 जाएगा 3 आ जाएगी, ठीक है, और x की वैल्यू यहाँ पुट कर दो, और ये y की वैल्यू सॉरी 2 इंटू y की वैल्यू 3 इक्वल्स 21, तो x बराबर कितना जाएगा 21 माइनस 3 टू जो 6, यहाँ 6 प्लस का इधर जाएगा माइनस 6, x की वैल्यू आपकी कितना आएगी 21 में 6 करा तो कितना जाएगा 15, ठीक है, x आ जाएगा 15। तो हम बता देंगे जो इसका जो फिक्स्ड आपका ये है, क्या बोलते हैं फिक्स्ड चार्ज होगा ना वो तो 15 रुपीज है, और जो चार्ज फॉर एक्स्ट्रा डेज है वो आपका कितना रुपये है 3 रुपीज, कितना रुपये 3 रुपीज, तो इसका आंसर है दोस्तों, सिंपल सा था ना, ठीक है, ऐसे कर लेंगे, ठीक है। तो इस तरह से दोस्तों हमारी हो चुका है, अब हम आगे की सॉल्व करते हैं, इसके जो एग्जांपल्स है ना इस एक्सरसाइज के जो इंपॉर्टेंट एग्जांपल है वो भी हम कर लेते हैं ना, वो भी हम कर लेते हैं दोस्तों। देखो यहाँ पर आपका क्वेश्चन दे रखा है दोस्तों, चंपा वेंट, चंपा वाला, ठीक है, ये वाला हम क्वेश्चन करते हैं। तो यहाँ पर आपका एग्जाम्पल नंबर 3 है बुक का, ठीक है, यहाँ पर बोल रहा है चंपा, सबसे पहले हम लिखते हैं चंपा, ठीक है, चंपा वेंट टू सेल टू परचेज सम पैंट्स एंड स्कर्ट। तो चंपा ने क्या खरीदा, एक तो पैंट्स खरीदे एंड स्कर्ट्स खरीदे, ठीक है, पैंट और स्कर्ट्स खरीदे उसने, ठीक है, उसके बाद लिख रखा है पैंट एंड स्कर्ट्स, ठीक है। व्हेन हर फ्रेंड आस्क्ड हर हाउ मेनी ऑफ ईच शी हैड बोट शी आंसर्ड, तो मैंने ना पैंट, चंपा ने मानो सपोज करो एक्स नंबर ऑफ शर्ट खरीदे, लाइक मान लेना, ठीक है, एक्स नंबर ऑफ पैंट्स खरीदे और स्कर्ट वाई नंबर ऑफ स्कर्ट्स खरीदे, ओके। तो इसने बोला अपनी फ्रेंड को, मतलब डिकोड ऐसे बोला इसने, द नंबर ऑफ स्कर्ट, नंबर ऑफ स्कर्ट मतलब वाई, ऐसे लिखूंगा, डिकोड कर रहा हूं मैं, देखो यहां पर जैसे जैसे बोल रहा है वैसे वैसे लिख रहा हूं, नंबर ऑफ स्कर्ट्स क्या माना आपने वाई, इज इसका मतलब बराबर, ओके, टू लेस देन ट्वाइस द नंबर ऑफ पैंट, ट्वाइस द नंबर ऑफ पैंट्स करो पहले, ट्वाइस द नंबर ऑफ पैंट्स 2x और 2 लेस है वो तो माइनस 2, एक इक्वेशन ये बन गई, ठीक है। दूसरी इक्वेशन क्या बनेगी, देखो यहां पे लिख रखा है ऑल्सो द नंबर ऑफ स्कर्ट्स, नंबर ऑफ स्कर्ट्स क्या माना था आपने y, ठीक है y लिख दो, इज
इज मतलब इक्वल फोर लेस देन द फोर टाइम द नंबर ऑफ पेंट्स, फोर टाइम पहले फोर टाइम करो, फोर टाइम्स ऑफ नंबर ऑफ पेंट्स, पेंट्स को क्या माना था आपने एक्स और वो फोर लेस है, कितना है फोर लेस, एक इक्वेशन ये बनी, दोनों इक्वेशन बन गई, हेल्प अल्फ्रेड टू फाइंड हाउ मेनी पैंट्स एंड स्कर्ट चंपा बोर्ड, ठीक है। अब इसको हम सोल्व कर लेते हैं, ये बन गया, अगर ग्राफिकली करना हो तो ग्राफिकली भी रिप्रेजेंट कर सकते हो, लेकिन अब हम इसको सोल्व कर लेते हैं, ठीक है। तो देखो यहां पर आपका आया वाई इक्वल्स टू टू एक्स माइनस का टू, और यहां पर क्या आया वाई इक्वल्स टू फोर एक्स माइनस का फोर। अब यहां कर लेते हैं मैं माइनस, माइनस करा ये प्लस का है तो ये माइनस का हो जाएगा, ये प्लस का ये माइनस का हो जाएगा, ये माइनस का ये प्लस का हो जाएगा, ओके। तो y से y कट गया, अब देखो 2x में से माइनस का 4x गया तो माइनस का 2x बचेगा, और ये इक्वल्स टू में यहाँ पर ये जीरो कर लेंगे, यहाँ पर ये तो जीरो बचा ना, ठीक है समझ गए। 2x में से माइनस का 4x गया, माइनस का 4 बड़ा है ना तो माइनस का 2x आएगा, अब माइनस के 2 में से प्लस का 4 गया, प्लस का 4 है ध्यान रखना, और देखो ऐसे तो भाई प्लस का 2 बचेगा ना क्योंकि प्लस का 4 बड़ा है, तो यहाँ पे लिख दूंगा मैं प्लस का 2, ओके। अब देखो माइनस का 2x और ये प्लस का 2 है और यहाँ पे बराबर जीरो, इसको यहाँ भेजेंगे तो माइनस का 2 हो जाएगा, इधर जाने पर माइनस से माइनस कट गया, एक्स की वैल्यू कितनी आ गई 2 अपॉन 2 वन, एक्स की वैल्यू तो आ गई आपकी 1, तो पैंट्स कितनी खरीदी इसने 1, और यहाँ पे पुट कर दो एक्स की वैल्यू तो वाई बराबर कितना हो जाएगा 4 इंटू 1 माइनस 4, तो वाई कितना हो जाएगा अपने पास, देखो यहाँ पे एक्स की वैल्यू पुट करी ना हमने बेसिकली, तो यहाँ पे 1 पुट कर दो एक्स की वैल्यू 1, तो 4 माइनस 4 कितना होगा 0, वाई की वैल्यू कितनी आ गई 0, ठीक है। तो वाई की वैल्यू आपके यहाँ आ गई 0, तो स्कर्ट इसने कुछ खरीदा ही नहीं, इसका इसने कुछ खरीदा नहीं, बस इसने पैंट खरीदी थी x बराबर 1, वो आपके आ जाएगी, ठीक है। अगर इसका ग्राफ बनवाता वो, ठीक है, अगर इसका ग्राफ, ये तो आप उतार लेना वीडियो को पोस्ट करके ना, ये मैं मिटा देता हूँ तो यहाँ पर x की वैल्यू तो क्या आई अपने पास 1 है ना, 1 आई थी, और y की वैल्यू 0 आई थी, ऐसे कुछ आई थी, ठीक है। तो देखो यहाँ पर अगर हमको निकालना होता क्या a1 a2 b1 b2 c1 c2 है ना, तो कैसे निकालते वो भी देख लेते हैं। तो देखो यहाँ पे मैं करता, देखो यहाँ पे a1 की वैल्यू पहले तो इसको है ना उसमें लिखो, इसको उस इक्वेशन में लिखो 2x, ये y को अंदर भेज दो माइनस का y, और ये माइनस टू है ही इक्वल्स टू जीरो, इसको लिखो 4x, y अंदर जाएगा माइनस का y और माइनस का 4 इक्वल्स टू जीरो। यहाँ पर a1 कितना है 2 है, एट ओ यहाँ पे b1 कितना है माइनस का 1, c1 कितना है यहाँ पर माइनस का 2, यहाँ पर a2 कितना है 4 है, यहाँ पर b2 कितना है माइनस का 1 है, दिख रहा है ना आपको, और c2 कितना है आपका माइनस का 4। तो यहाँ पर आप देख पा रहे हो ना, देखो 2 अपॉन 4 माइनस 1 अपॉन 1 और माइनस का 2 अपॉन 4, तो ये क्या बनेगा 1 अपॉन 2 इक्वल्स टू, इसको इससे कैंसिल करेंगे तो वन, ये नॉट इक्वल्स टू आ रहा है ना यहीं पर, यानी कंडीशन हो रही है ए वन अपॉन ए टू इज नॉट इक्वल्स टू बी वन अपॉन बी टू, जो कि क्या है वन सॉल्यूशन देगा, क्या देगा वन सॉल्यूशन, जो कि हमारा आप ही रहा है, एक इस एक्स बराबर वन वाई बराबर जीरो, एक ही सॉल्यूशन आ पाएगा इसका ग्राफ अगर बनाते हो तो आप, ठीक है। और एक्स की वैल्यू यहाँ पे जीरो आए वन आएगी और वाई की वैल्यू जीरो आएगी, जो कि अभी हमने निकाला था, ओके दोस्तों। तो इस तरह से इसका आंसर आ जाएगा, ये आपके एग्जाम्पल में से है, इसकी एक्स और वाई की वैल्यू वहाँ पर निकाली नहीं हुई है, मैंने यहाँ पर निकाल दी है, बस वहाँ पर तो आपको ग्राफ बनाना था, वहाँ पर ग्राफ बना दिया था, आप देखोगे ना अपने बुक में एग्जाम्पल ये है ना। तो आप देखो इसमें एक एग्जाम्पल हो रहे हैं, एग्जाम्पल नंबर फोर, सोल्व द फॉलोइंग पेयर ऑफ इक्वेशन सब्स्टिट्यूशन मेथड, तो हमने लिखा सेवन एक्स माइनस 15y और इक्वल टू 2, एक इक्वेशन x प्लस 2y इक्वल टू 3, तो मैं इसकी वैल्यू निकाल के एक बार पुट कर दूंगा, तो x बराबर कितना है 3 माइनस 2y, ये x बराबर कितना है मैं एक बार रुक जाओ, यहां पर x बराबर कितना है 3 माइनस, इसको यहां ले गए माइनस 2y, अब ये वाली वैल्यू ले जाके इधर पुट कर देते हैं, तो यहां पे लिखा मैंने 7, ब्रैकेट में रखना अब इसको 3 माइनस 2y और माइनस का यहां पे 15y और इक्वल टू 2, ठीक है। अब इसको अंदर मल्टीप्लाई कर दो, 7 3 जा 21 माइनस है, 7 2 जा 14 y और माइनस का कितना है 15 y और इक्वल्स टू में 2, ठीक है। अब ये 21 और माइनस का 15 और माइनस का 14 दोनों माइनस में ऐड हो जाएंगे, माइनस नहीं तो 5 4 9 एक और एक 2 29 y और इक्वल्स टू 2, ये हो जाएगा आपका, ठीक है। अब यहां पर मैं क्या करता हूं, माइनस का 29 y तो मैंने लिख लिया यहां पर, और ये कांस्टेंट वाले ना इधर ले जाएंगे एक साथ, 2 ये प्लस का 21 है ना इधर ले जाएंगे तो माइनस का 21 आ जाएगा, ठीक है। तो यहां पर क्या आ जाएगा आपका, माइनस का 29 y इक्वल्स टू ये 2 में से माइनस का 21 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो माइनस का कितना बचेगा 19, ओके दोस्तों। अब देखो माइनस से माइनस कैंसिल इसका, और y की वैल्यू यहां से क्या आ जाएगी, y की वैल्यू आ जाएगी 19 अपॉन 29, ये आपका y आ जाएगा। अब y की वैल्यू आ गई तो x की वैल्यू निकाल लो आप, यहां पे रख दो, तो मैं क्या करूंगा यहां पर x की वैल्यू निकाल लूंगा, x बराबर क्या आ जाएगा 3 माइनस 2, y की वैल्यू रख दो 19 अपॉन 29, ठीक है। तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी 3 माइनस 19 2 जा 38 अपॉन 29, ठीक है। अब यहाँ एलसीएम ले लो, x बराबर कितना आ जाएगा या 29, अब 29 है या 1 है तो 29 डायरेक्ट इससे इंटू हो जाएगा, 33 जा कितना होता है 90, 90 में से 3 माइनस कर लो 87, ठीक है। और माइनस यहाँ पर 29, यहाँ पर भी 29 है, ऊपर की संख्या एज इट इज, ठीक है। तो x बराबर कितना आ जाएगा 7, तो 17 में से 8 गया तो कितना बचा आपके पास, यहाँ पे आप कर लो माइनस तो 9 बचेगा इसको कैरी दे देगा ना, और 7 में से 3 गया तो 4, तो 49 अपॉन 29 x की वैल्यू तो ये आ रही है आपकी और y की वैल्यू ये आ रही है, तो ये इस तरह से हो जाएगा दोस्तों ना, इस तरह से हम ये भी कर देंगे, ठीक है।
तो ये भी हो गया हमारा, ठीक है। तो अब हम करते हैं नेक्स्ट जो इसका ये ना टू रेल्स, ये काफी अच्छा क्वेश्चन है, एग्जांपल नंबर 7, आसान भी और अच्छा भी क्वेश्चन है, ठीक है। तो ये आप, ये मैं मिटा देता हूँ, ठीक है। अब हम आगे करते हैं, ठीक है। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है एग्जांपल नंबर 7। देखो टू रेल्स है, रिप्रेजेंटेड टू इक्वेशन, एक तो ये है x + 2y माइनस का 4 इक्वल्स 0, और एक इक्वेशन है 2x + का 4y माइनस का 12 इक्वल्स 0। अब इसको कंपेयर किससे करेंगे, ax + by + का c इक्वल्स 0 से। यहां पर a1 कितना है 1 है, b1 कितना है 2 है, c1 कितना है माइनस 4 है, ओके। यहां पर a2 कितना है 2 है, यहां पर b2 कितना है 4 है, यहां पर c2 कितना है माइनस 12 है। कंडीशन रख दो, a1 / a2 कितना है 1/2, b1 / b2 चेक करेंगे तो कितना है 2/4, जो कि कट के कितना हो जाएगा 1/2, और c1 / c2 कितना है माइनस का 4 / माइनस का 12, माइनस माइनस 4 बन जा 4 3 जा 12, 4 बन जा और 4 3 जा 12। तो ये कंडीशन क्या बन रही है आपकी, कंडीशन कैसे बन रही है ऐसे, a1 / a2 इक्वल्स टू बी वन अपॉन बी टू इज नॉट इक्वल्स टू सी वन अपॉन सी टू, यानी कि क्या हो रही है आपकी, विल द रेल क्रॉस ईच अदर, तो आप लिख देना नो, नो ना रेल विल क्रॉस ईच अदर, समझ गए, क्यों, क्योंकि कंडीशन है इसलिए, ओके। तो दोस्तों ये भी हमारा हो गया एग्जाम्पल, कुछ एग्जाम्पल्स और बचे इसके, वो भी हम देख लेते हैं साथ साथ, आप कर ही रहे तो कर ही ले अच्छे से, है ना। तो कुछ एग्जाम्पल्स हम देख लेते हैं, ये कुछ एग्जाम्पल्स और है इसके, वो भी हम देख लेते हैं, थोड़े से ही ज्यादा नहीं है ना। तो इसमें आपको दे रखा है एग्जाम्पल नंबर 8, द रेशो ऑफ इनकम एंड रेशो ऑफ एक्सपेंडिचर एंड देम मैनेज सेविंग्स। देखो आप ये बताओ ये पर्सन है, ये पर्सन है, ये 5000 रुपीज अर्न करता है, क्या करता है अर्न, मतलब इनकम मान लो इसकी, जैसे क्वेश्चन में वैसे ही दे रहता है, इसकी इनकम है, जिसमें से वो 3000 रुपीज खर्च कर देता है, जो इसका क्या है एक्सपेंडिचर है, क्या है एक्सपेंडिचर्स है, ठीक है। तो इसने सेविंग कितना करा, 5000 में से 3000 सब्ट्रैक्ट करूंगा 2000, इसने क्या करा सेविंग करा, क्या करा बचा है इसने, सेविंग करें तो मैं बेसिकली क्या कर रहा हूँ, इनकम में से एक्सपेंडिचर को माइनस कर रहा हूँ और फिर सेविंग आ रही है, और तुम देख भी सकते हो कॉमन सी बात है, इनकम 5000 है, खर्च कितना करा 3000, तो बचा कितना 2000, 5 में से 3000 करेंगे 2000। अब बस इसी क्वेश्चन को इससे ऐसे कर लेंगे देखो सबसे पहले आपका टू रेशियो ऑफ इनकम्स ऑफ टू पर्सन, टू पर्सन की आपको दे रखा है, दो पर्सन का रेशियो दे रखा है, एक का दे रखा है 9 और एक का दे रखा है 7, ठीक है। ये तो किसका है आपका इनकम का रेशो है, ठीक है। दूसरा रेशियो ऑफ एक्सपेंडिचर, रेशियो ऑफ एक्सपेंडिचर का क्या दे रखा है आपको 4:3, ये क्या है आपका एक्सपेंडिचर का, किसका है एक्सपेंडिचर्स का, ठीक है। अब हमको सेविंग्स बतानी है, मान लो यहां पर रेशो मान लो, देखो इसका एक्स रेशो मान लेते हैं, ये एक्स रेशो मान लेते हैं, दोनों का एक्स एक्स है, तभी तो एक्स एक्स कट गया इनकम में, ये मैं वाई वाई रेशो मान लेता हूँ, तो वाई से वाई कट जाएगा तो 4/3 आएगा, सब कुछ कर रहे हो ना आप, जैसे रेशो है, जैसे ये मैंने लिखा x/y, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ x/y रेशो में ऐसे। तो अब जैसे मैंने इसको ऐसे लिखा, देखो 9x/7x, तो एक्स एक्स कट गया, वापस ये आ गया 9/7, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ 9:7 लिख सकता हूँ ना। तो यहाँ पर मैंने क्या मान लिया रेशो में, ये मतलब है ना यहाँ पर एक्स एक्स होगा, मतलब यहाँ पर एक्स एक्स मान लिया दोनों का, जब तो कट गई 9/7 जब था 9:7, ठीक है, और यहाँ पे मैंने वाई वाई मान लिया, ठीक है। अब मैंने आपको बताया था इनकम में से एक्सपेंडिचर माइनस होता है, टू पर्सन है, पहले पर्सन का क्या होगा, फर्स्ट पर्सन, जैसे मैंने माना फर्स्ट पर्सन का अगर मैं देखूँ तो मैं लिखूंगा 9x, ये तो इनकम हो गई इसकी, और ये एक्सपेंडिचर हो गया माइनस का 4y, और वो कितने के बराबर है सेविंग कितने, इफ ईच ऑफ देम, प्रत्येक ने कितने बचे 2000 रुपये, तो ये 2000 लिखूंगा ऐसे। सेकंड अगर पर्सन की मैं बात करूँ, सेकंड पर्सन की बात करूँ, तो वो मैं क्या लिखूंगा 7x माइनस का 3y, ठीक है, और वो कितना आ जाएगा आपके पास 2000, इसने भी 2000 बचाए, ठीक है। अब उनकी मंथली इनकम हम निकालेंगे, लेकिन सबसे पहले इसको सोल्व करना पड़ेगा। अब इसमें लिखा नहीं है किस मेथड से सोल्व करोगे, तो हम कोई से भी मेथड से कर लेते हैं, ठीक है, कोई से भी मेथड से कर लेते हैं। तो इसको बेसिकली आपको इनटू करना पड़ेगा इसको, आप क्योंकि बराबर बराबर नहीं है कुछ भी इसमें, तो इसको 7 से इनटू कर लेते हैं और इसको 9 से इनटू कर लेते हैं, तो ये वाली जो इक्वेशन कैसे मॉडिफाइड हो जाएगी, 9 7 कितने होते हैं 63, ठीक है, ठीक है 63x माइनस, और यहाँ पे 7 4 जा 28 और ये y और इक्वल्स टू में 7 2 जा 14 और 3 0, ये हो गया। फिर इसके बाद इसको इनटू कर देंगे, 9 7 कितने होते हैं 63x माइनस ये 9 3 जा 27, ठीक है, और इक्वल्स टू में 9 2 जा 18, ये 18 और 3 0, ठीक है। अब इनको हम सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं, ठीक है, क्या कर लेते हैं सब्ट्रैक्ट, तो यहाँ पर मैं सब्ट्रैक्ट करता हूँ, देखो माइनस तो ये प्लस है तो ये माइनस हो जाएगा, ये माइनस है तो प्लस हो जाएगा, ये प्लस है तो माइनस हो जाएगा, तो ये प्लस 63x में से माइनस का 63x है तो कैंसिल। अब ये माइनस का 28 में से प्लस का 27 गया तो कितना बचा माइनस का वाई, समझ लो माइनस 28 प्लस का 27 तो कितना बचेगा माइनस का बढ़ा है ना, तो माइनस का 1 बचेगा, और ये इनटू में वाई भी है तो वाई आ जाएगा इधर माइनस का वाई, समझ गए ना। और यहाँ पे प्लस का 14000 और माइनस का 18000 तो कितना बचेगा माइनस का 4000,
ये बचेगा, माइनस है माइनस कैंसिल, वाई की वैल्यू कितनी आ गई 4000, तो एक्स की वैल्यू निकालेंगे हम, एक्स की वैल्यू इसमें पुट कर दूं, तो यहां पे मैं निकाल देता हूं, तो देखो 9x माइनस का 4 और यहाँ पे y की वैल्यू पुट कर दी मैंने 4000। अब देखो जो पहली वाली जो इक्वेशन है ना उसी में पुट कर दो आप, उसी से निकल जाएगा, फालतू में इसमें मत अलझना आप, ठीक है। वो डाउन है और यहाँ 2000 और यहाँ पे ये 9x बराबर कितना आ जाएगा, ये 2000 है, ये 4 जो 16000 है, 16000 उधर जाएगा, ये माइनस करना उधर जाएगा, तो प्लस का 16000 और प्लस का 2000 18000 हो जाएगा ये, और ये 9 नीचे आ जाएगा इसके ऐसे इनटू में ना नीचे आ जाएगा, और 9 2 18 x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 2000। लेकिन अभी हमारा क्वेश्चन खत्म नहीं हुआ है, समझ रहे हो, हमको क्या निकालना है, फाइंड देयर मंथली इनकम, मतलब 9x की वैल्यू और 7x की, तो जो फर्स्ट पर्सन है उसकी जो इनकम आएगी, ये फर्स्ट पर्सन की जो इनकम आएगी 9x है, तो x की वैल्यू कितनी है 2000, 9 × 2000 कर देना, तो ये आ जाएगी इसकी इनकम 18000, और सेकंड पर्सन की जो इनकम है वो क्या है उसकी, वो है आपकी 7x, तो 7 को किससे इंटू कर देंगे 4000 से, तो 7 × 4 = 28, तो उसकी इनकम कितनी आ जाएगी 28000, तो उनकी इनकम कितनी है, एक की तो 18000 है और एक की 28000 है। ओके दोस्तों, तो इस तरह से हमारा ये क्वेश्चन भी हो गया दोस्तों, है ना। अब हम करते हैं नेक्स्ट, तो ये मैं मिटा देता हूँ ना, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन और कर लेते हैं हम, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों आपकी स्क्रीन पर कोटेज, ठीक है। देखो यहाँ पर कोटेज इंडस्ट्री ये हम कर लेते हैं, देखो अ कोटेज इंडस्ट्री प्रोड्यूस अ सर्टेन नंबर ऑफ टॉयज इन अ डे, ठीक है। देखो कोटेज इंडस्ट्री का एक इंडस्ट्री है, ठीक है, एक इंडस्ट्री है, वहां से तुम्हारे के प्रोडक्ट्स निकल गए, क्या निकल गए, प्रोडक्ट्स निकल गए, टॉयज, क्या निकल रहे, बेसिकली टॉयज निकल गए। अब इसने कहा है कोटेज इंडस्ट्री प्रोड्यूस अ सर्टेन नंबर ऑफ टॉयज, तो हमने मान लिया लेट नंबर ऑफ टॉयज जो निकल रहे वो एक्स मान लिया, ठीक है। अब इसमें आगे क्या कह रहा है, द कॉस्ट, देखो यहां पे लिख रखा है द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ईच टॉय वॉज फाउंड टू बी 55 माइनस द नंबर ऑफ टॉयज प्रोड्यूस्ड इन अ डे। देखो लिख रखा है कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ईच टॉय वॉज फाउंड टू बी 55 माइनस द नंबर ऑफ टॉयज प्रोड्यूस इन अ डे, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हुआ, देखो आप लिखोगे 55 माइनस, देखो 55 माइनस नंबर ऑफ टॉयज प्रोड्यूस इन अ डे, मतलब एक दिन में, मतलब ये हो रहे हैं एक्स, तो मैंने एक्स कर दिया, एक दिन में इतने प्रोड्यूस हो रहे हैं, ठीक है। और वो कॉस्ट है क्या है, तो मैंने यहाँ पे मान लिया कॉस्ट को, कॉस्ट ऑफ, देखो यहाँ पे कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ईच टॉय, ठीक है, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ईच टॉय, उसको मैंने मान लिया वाई रुपए, कितने मान लिया वाई रुपए, और ये लाइक नंबर ऑफ टॉयज जो प्रोड्यूस हो रहे हैं ना ईच डे में, वो है ईच डे, इन ईच डे, प्रत्येक दिन में एक्स मान लिया और ये वाई रुपए, तो ये वाई आ जाएगा, ठीक है। यहाँ लिख रहा है ना आपका, देखो द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ईच टॉय, ईच टॉय ये वोज फाउंड टू बी 55 माइनस द नंबर ऑफ टॉय प्रोड्यूस इन अ डे, ये तो क्या है उसकी कॉस्ट है, ध्यान रखना कॉस्ट है सिर्फ, ठीक है। अब आगे क्या बोल रहा है, ऑन अ पर्टिकुलर डे द टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन वॉज 750, देखो टोटल कॉस्ट दे रखी है आपको, टोटल कॉस्ट है 750, ठीक है। अब देखो ध्यान से इसको समझना, और वी क्या पूछा, वी वुड लाइक टू फाइंड आउट द नंबर ऑफ टॉय प्रोड्यूस ऑन दैट डे। देखो क्वेश्चन इस तरह से है, मैं समझा देता हूं आपको, देखो मान लो एक दिन में एक टॉय बना और उसकी कीमत 5 रुपए है, तो 1 × 5 कितना होता है 5 रुपए, टोटल कॉस्ट आ गई। मान लो एक दिन में सपोज करो एक दिन में 2 टॉय बनते हैं और एक की कीमत है 5 रुपए, तो टोटल कॉस्ट कितनी होगी 5 × 10। मान लो अगर एक्स टॉयज बनते हैं और उनकी कॉस्ट है 2 रुपए, तो टोटल कॉस्ट कितनी होगी एक्स वाई, ठीक है। अब यहाँ पे नंबर ऑफ टॉयज कितने हैं एक्स, ये तो मैंने मान लिया, और नंबर ये टोटल कॉस्ट, ये तो कॉस्ट है तुम्हारी, कॉस्ट तो है वाई, देखो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ईच टॉय, तो ये लिखूंगा मैं 55 माइनस एक्स, तो ये इंटू हो जाएंगे, तो ये कितना आएगा 55 माइनस एक्स इंटू एक्स, याद रहेगा। और टोटल कॉस्ट हमको दे भी रखा है 750, इसको इसके बराबर पुट कर देंगे, तो हमारी एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी और उसको हम सॉल्व कर देंगे। ये समझ में आया ना आपको, ये कॉन्सेप्ट समझ में आ गया, और वो ईच डे का निकालेंगे, उस दिन का ही निकाल रहे हैं हम, ठीक है। तो हम मैं लिखूंगा एक्स, अब ये मत कहना मेरे को ये कैसे इंटू करा एक्स, और ये 55 माइनस एक्स, ये तो टोटल कॉस्ट है तुम्हारी, कैसा ही टोटल कॉस्ट है, और ये 750 के बराबर है, तो यहाँ से इंटू कर लो, तो यहाँ पे बना 55x माइनस का एक्स स्क्वायर, और ये इक्वल्स टू 750। अब इसको थोड़ा रीअरेंज कर लो, माइनस का एक्स स्क्वायर, इसको लिखेंगे प्लस का 55x। देखो आगे वाला जो होता है ना, जैसे ये वाला है, ये इसका साइन है एक्स स्क्वायर का, तो ऐसे लिखा, ये 55 का आगे वाला प्लस का, तो ऐसा, और ये 750 इधर लाएंगे तो माइनस 750 अंदर लिया है, और इक्वल्स 0। अब माइनस को पूरी इक्वेशन से इंटू कर दो, क्योंकि ये वाला तुम्हारा बेसिकली एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट जो है ना प्लस 1 में होना चाहिए, तो एक्स स्क्वायर माइनस का 55x और प्लस का 750 इक्वल 0, ये आपकी एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई। अब इसको हमको सोल्व करना है बेसिकली, है ना, तो हम इसको सोल्व कर लेते हैं, ठीक है। वैसे तो आपकी ये इक्वेशन ही पूछते हैं, लेकिन मैं आपको थोड़ा सा और बता देता हूँ इसमें फर्दर, ठीक है। तो इसका हम क्या कर लेते हैं,
इसके फैक्टराइजेशन कर लेते, तो ये आपके लिए एक मिनट छोड़ दिया, ये आप कर सकते हो ना। तो आपको कुछ नहीं करना, 750 है, 750 का फैक्टराइजेशन कर लो, उसमें जो जो नंबर है उनके पेयर बना लो, तो बीच में तो 55 आना चाहिए सम या प्लस माइनस करने पर उसका, और प्रोडक्ट में 750, और फिर फैक्टराइज करके एक्स और वाई निकाल लेना, नहीं निकले तो कमेंट कर देना, ठीक है मैं आपको बता दूंगा, ठीक है तो ये आप निकाल लेना, है ना। मैं आगे करा देता हूँ आपको, थोड़ा सा एक क्वेश्चन आ रहा है ना, तो आखिरी क्वेश्चन है ये वाला दोस्तों, ये वाला कई बार पूछ लेते हैं, ये थोड़ा ट्रिकी क्वेश्चन है, 152x माइनस का 378y और इक्वल्स टू -74, और दूसरी इक्वेशन दे रखे -378x और यहां पे दे रखा +152y और इक्वल्स टू -604। अब देखो ये इक्वेशन आ गई, बच्चे घबरा जाते हैं, इसको छोड़ देते हैं, बस ये छोड़ देते हैं, ठीक है। तो इसमें ट्रिकी है, इसमें क्या करना होता है आपको, एक बार कर लो इनको प्लस, एक बार कर लो इनको माइनस, तो जब हम इनको करेंगे प्लस, इनको प्लस करेंगे तो यहां पे कितना बचेगा, माइनस का 226x, और यहां पर अगर प्लस करेंगे, प्लस ही करते सारी इक्वेशन को बेसिकली, है ना, तो यहां पर कितना बचेगा, देखो यहां पर भी बचेगा आपका माइनस का 226y, और यहां पे कितना बचेगा आपका, देखो ये माइनस का प्लस करें ना, तो यहां पर प्लस करेंगे दोनों को, तो 604 और ये 6478 माइनस में आ जाएगा, ठीक है। अब इनमें से माइनस कॉमन ले लो, और 226 भी कॉमन लो, माइनस का 226 मैंने कॉमन लिया, अंदर क्या बचेगा, x प्लस वाई, और यहाँ पे कितना बचेगा, माइनस का 678, ठीक है। तो ये x प्लस वाई आया, और यहाँ पे माइनस का 678, और नीचे कितना चल जाएगा, माइनस का 226, ये माइनस से माइनस कैंसिल, अब 226 इंटू 3 करेंगे, या 2 करूँ, 6 × 12 = 18, हाँ 226 इंटू 3 करो, 6 × 18 = 3 × 4 = 7, ये होते हैं 3 टाइम कट जाएगा, तो x प्लस वाई की वैल्यू किसके बराबर आई, 3, ठीक है प्लस करने पर। अब मैं करता हूँ इनको माइनस, क्या करता हूँ माइनस, तो जब मैं माइनस करूंगा इनको, तो देखो माइनस करूंगा इसमें से, इसको माइनस करूंगा तो माइनस करूंगा तो प्लस हो जाएगा, इन दोनों को ऐड करना पड़ेगा, तो ये कितना आएगा 530x, फिर इन दोनों को मैं माइनस कर रहा था ना, तो ये माइनस में आएगा, माइनस का ये भी आएगा 530y, इन दोनों को ऐड कर देख लेना माइनस में करके, देखो माइनस कर देना, ये क्या हो जाता है बेसिकली माइनस का प्लस, ये क्या हो जाता है प्लस का माइनस, तो ये प्लस है तो ये प्लस प्लस हो जाएंगे दोनों, ये माइनस में और ये भी माइनस में, दोनों माइनस में ऐड होंगे तो ये आएगा, ठीक है, और ये माइनस है तो ये क्या जाएगा प्लस, ठीक है। तो -74 प्लस का 604, 604 में से आप 604 है ना, इसमें से 74 माइनस 4 से तो 4 हट जाएगा, और से 530 बचेगा, कितना बचेगा 530 बचेगा, प्लस का बचेगा क्योंकि प्लस का बड़ा, ठीक है। अब 530 कॉमन ले लो, यहाँ बच जाएगा x माइनस वाई और इक्वल्स टू 530, ठीक है, तो x माइनस वाई बराबर क्या जाएगा 530, ये नीचे चल जाएगा, कितना आ जाएगा 1, ठीक है। अब मैं इसको आप नोट कर लेना ना, मैं मिटा देता हूँ इसको, है ना, तो आपकी दो इक्वेशन बनी बेसिकली, एक बार प्लस करने पर और एक बार माइनस करने पर, एक बार प्लस करने पर क्या बनी आपकी, x प्लस का y इक्वल्स टू ये जो आपको दिख रहा है ना 3 है, क्या ये 3 ये 3 था क्या, चलो 3 है, ठीक है, और ये x माइनस वाई कितना आया था आपका 1 आया था। तो अब इनको हम सोल्व कर लेते हैं, तो देखो अब इसको हम कर लेते हैं यहाँ पर माइनस कर लेते हैं, तो x में से माइनस x कट गया, y में ये माइनस का क्या जाएगा प्लस, प्लस का करना माइनस, y और प्लस का y 2y और 3 माइनस 1 कितना हो 2, y की वैल्यू कितनी आ गई 2/2 1, ठीक है, y की वैल्यू ले जाके यहाँ पुट कर दो, तो ये x प्लस 1 और ये कितना था आपका 3, तो x की वैल्यू जाएगी 3 माइनस 1 2। ठीक है, तो इस तरह से दोस्तों हमारा 3 चैप्टर हमने कवर कर लिया अभी तक, फर्स्ट चैप्टर हमने सब कुछ कर लिया, सेकंड चैप्टर का भी कर लिया, थर्ड चैप्टर का कर लिया, ये तीनों हमारे पेपर के हिसाब से, बोर्ड के एग्जाम के हिसाब से एकदम परफेक्ट हो गए। आप इनको करना, प्रैक्टिस करना, कुछ क्वेश्चन आप अलग से भी लगा सकते हो अपनी बुक में से अगर जो जो बच गए, है ना, और MCQ के लिए हमें कमेंट बॉक्स में टाइप कर देना, उसकी अलग सीरीज हम लगा देंगे चैप्टर बाय चैप्टर, ठीक है। आप इसको सोल्व करना, अभी और भी आएंगे चैप्टर, चैप्टर नंबर 4-5 इनको भी हम सोल्व करेंगे, ठीक है, तो हम मिलते हैं आप।